गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे हम आगे आपके आज जो कोर्स है एंटो 311। इसके अंदर हम पहले से पेस्ट पढ़ रहे थे, पॉलीफेगस पेस्ट हो गए थे, राइस क्रॉप के हो गए थे, सोरगम मेज के हो गए थे, टोबैको के। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉटन के पेस्ट। ठीक है, कॉटन के जितने भी पेस्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आज की क्लास शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन सारे पेस्ट अपने कवर करेंगे इसके अंदर। और मैं बता दूंगा आपको कौन से पेस्ट है जिसको आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है। कॉटन में से आप ये मान के चलो कि आपके एक आधा क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम बॉलवर्म्स की। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में जब हमने ग्राम के पेस्ट पढ़े थे चने के, उसमें हमने एक पेस्ट पढ़ा था, है ना, ग्राम पॉड बोरर, है ना। ग्राम पॉड बोरर मैंने आपको नाम बताया था इसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, है ना। ये पेस्ट बताया था, इस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि ये जो पेस्ट है इसको कॉटन में किस नाम से जाना जाता है, अमेरिकन बॉलबम, है ना, अमेरिकन बॉलबम के नाम से। तो कॉटन में मेनली क्या है हम आज बात करेंगे, पहले बॉलबम्स की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बॉलबम्स की। तो कॉटन का मैं आपको बता दूं कि कॉटन के अंदर तीन टाइप के बॉलबम लगते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ बॉलबम्स लगते हैं। फर्स्ट, पहला जो है वो है अमेरिकन बॉलबम, ठीक है, अमेरिकन बॉलबम। इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मी जीरा। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मी जीरा, ये है फर्स्ट। सेकंड जो है वो है स्पॉटेड बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है एरिस विटेला, या फिर एक और होता है एरिस इंसुलेना, ठीक है, दोनों दो स्पीसीज होती है इसकी अलग अलग। थर्ड जो है वो है पिंक बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, इसका नाम होता है पेक्टिनोफोरी, गोसीपियला, ठीक है। ये तीन टाइप के बॉलवर्म लगते हैं, ठीक है, कॉटन के अंदर, ठीक है। अब इन तीनों की बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो जनरल ओवरव्यू में अभी आपको बताऊंगा। ये जो आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में ये दो है ना, स्पॉटेड बॉलवर्म और पिंक बॉलवर्म दोनों हैं। अमेरिकन बॉलवर्म आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर बाई चांस इसका क्वेश्चन आता है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन आता है तो ये मैंने आपको क्या है उसके अंदर जो ग्राम की क्रॉप हमने पढ़ी थी उसके अंदर डिटेल में बता दिया, सब वही होगा, इसके डैमेजिंग सिम्टम भी वही होंगे, पर फर्क क्या होगा, सिर्फ क्रॉप चेंज होगी, ठीक है। क्रॉप चेंज का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको चने के अंदर बताया था इसकी जो कैटरपिलर स्टेज डैमेज करती है वो कैसे करती है, उसके डैमेजिंग सिम्टम क्या होंगे, जो पोड जो बनती है, पोड जो बनती है, पोड में क्या होगा, ये छेद करेगा इसका, ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये क्या है, जो पॉड बनेगी, अब यहाँ क्या करेगा, ये जो इसका कैटरपिलर जो होता है वो कैसे नुकसान करता है, यहाँ पे छेद करेगा, छेद करने के बाद क्या यहाँ इंटर होगा, है ना, इंटर होने के बाद इसका क्या है, हाफ पोर्शन जो है बॉडी का वो बाहर रहता है फली से, ठीक है, हाफ पोर्शन अंदर रहता है, और अंदर ही अंदर ये क्या है सीड कोटिलेडोन वगैरह को क्या है फीड करता रहता है, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो था अमेरिकन बॉलवर्म की बात, अब बात करेंगे स्पॉटेड बॉलवर्म और पिंक बॉलवर्म जो है, तो इनके डैमेजिंग सिम्टम मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, अब अपने जब पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है, तब मैं आपको बताऊँगा इनमें डिफरेंस क्या है,
और कैसे कैसे इसका डैमेज होता है। तो ध्यान रखा कॉटन में क्या है, तीन टाइप के बॉलबम्स लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्पॉटेड बॉलबम, ठीक है, स्पॉटेड बॉलबम, स्पॉटेड बॉलबम। नाम मैंने आपको बताया, इरिस विटेला और इरिस इंसुलेना दो स्पीसीज होती है इसकी, दो प्रजातियां होती है। फैमिली इसकी है नोक्टुइडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा के पहले ही हम काफ़ी पेस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैंने आपको तरीका भी बताया था इनको याद रखने का कि अगर किसी भी पेस्ट के पीछे कैटरपिलर लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होगा, लेपिडोप्टेरा का होगा। बटरफ्लाई आ जाए, मोथ आ जाए लिखा हुआ किसी के पीछे, तो वो सब क्या होंगे, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के होंगे। उसी प्रकार अगर किसी पेस्ट के पीछे बॉलवर्म लगा हुआ है तो वो भी क्या होगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का होगा। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ऑर्डर का नाम सुनते ही उसके बारे में एक पूरा क्या है, जनरल ओवरव्यू सामने आना चाहिए। यानी कि क्या होगा इसका, लेपिडोप्टेरा है तो इसकी तो तीन चार चीज़ें जो कॉमन है वो दिमाग में आनी चाहिए। क्या, एक तो क्या है, कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा, ठीक है, लाइफ में चार स्टेज होगी। कैटरपिलर स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, ये सब क्या है कॉमन चीज़ें हैं हर लेपिडोप्टेरन पेस्ट के अंदर, आपको यही याद रखना है बस, ठीक है, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ फैमिली क्या है इसकी, नोक्टुइडी, तो नोक्टुइडी फैमिली है। नोक्टुइडी फैमिली का मैंने आपको करैक्टर बताया था, इसका मतलब क्या होता है, नॉक्टर्नल हैबिट होती है, यानी कि इसके द्वारा जो डैमेज होता है वो मेनली कब होता है, रात के समय में होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे होस्ट प्लांट्स की, ठीक है। अब होस्ट प्लांट की वैसे तो आपको देखा जाए तो हम क्या है, कॉटन के पेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो होस्ट तो कॉटन होना चाहिए, तो कॉटन तो है ही, प्लस कॉटन के अलावा जितने भी इस जो मतलब कॉटन के अलावा जितने भी सेम ऑर्डर के, यानी कि जैसे हो गया आपकी भिंडी जो क्रॉप है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेडी फिंगर है ना, लेडी फिंगर, इसके अलावा जितने भी मालवेसी, इसके अलावा क्या आते हैं, धतूरा आता है, इसके अलावा एक दो और क्रॉप आती है जो क्या है मालवेसी के अंदर। कॉटन की कौन सी फैमिली कौन सी होती है कॉटन की, मालवेसी, है ना, तो मालवेसी फैमिली के अंतर्गत जितनी भी क्रॉप आएगी उन सब के अंदर क्या है ये डैमेज करता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की इसकी, तो नेचर ऑफ डैमेज हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या होता है, यानी कि ये क्षति प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, नुकसान कैसे करती है ये बॉलवर्म जो है, ठीक है, तो नुकसान कैसे करती है। सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम क्या है इसका नेचर ऑफ डैमेज पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ डैमेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बॉलवर्म है ये सबसे पहले लीव्स के ऊपर अटैक स्टार्ट करती है, ठीक है, यानी कि इसकी जो कैटरपिलर जो होती है, ठीक है, इसकी जो कैटरपिलर स्टेज है वो क्या करेगी, सबसे पहले लीव्स के ऊपर, ठीक है, लीव्स के ऊपर फीड स्टार्ट करती है, यानी कि स्टार्टिंग जब स्टेज होती है कैसी, लेपिडोप्टेरा के अंदर मैंने आपको बताया कैसे माउथ पार्ट कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, इसकी जो कैटरपिलर होती है उसके अंदर माउथ पार्ट कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग, यानी कि काटने और चबाने वाले। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले लीव्स के ऊपर, उसके बाद क्या जितने भी सॉफ्ट ब्रांचेज होती है ना, कोमल जो टहनी होती है, स्टेम जो होता है, उन सब के अंदर क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, यानी कि उनको काटती है ये, ठीक है, कट करके और फीड करती है। इसके बाद क्या है उसके अंदर ये टनल बनाती है, यानी कि सुरंग बनाती है ना, सुरंग बनाती हुई उसको फीड करेगी। इससे क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। मान लो प्लांट है ना, तो लीफ की बात करेंगे तो स्टार्ट सबसे पहले क्या है, ये मान लो कॉटन की लीफ है, तो ये क्या करेंगे, लीफ के ऊपर फीड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो लीफ है इसको फीड करेंगे, इसमें जगह जगह आपको दिख जाएंगे इसके डैमेजिंग सिम्टम, क्योंकि बाइटिंग चेविंग टाइप के है तो ये क्या काटते हैं लीव्स को, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो भी प्लांट है ना, तो प्लांट के ऊपर ये जैसे कॉमन जो भी सॉफ्ट ब्रांचेज जो होगी, सॉफ्ट ब्रांचेज हो गई, इसके अलावा स्टेम हो गया स्टार्टिंग स्टेज में, है ना, तो यानी कि कोमल जितने भी भाग होते हैं उन सब को क्या है ये फीड करते हैं बाय माउथ, और क्या है या फिर क्या करते हैं ये टनल बना के, और उस टनल के थ्रू यानी कि सुरंग बनाते हैं, और सुरंग के अंदर इसको क्या करते हैं फीड करते रहते हैं, ठीक है। बाद में
लेटर स्टेज, ये तो बात है प्लांट के स्टार्टिंग की, ठीक है। अब बाद में नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यानी कि जब क्रॉप जैसे जैसे बड़ी होगी और फ्लावरिंग जब स्टेज आएगी, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज आएगी तब ये क्या गया है कि जो फ्लावर्स जो बनते हैं ना, कॉटन के जो फ्लावर्स बनते हैं, ये क्या है उसके ऊपर डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। सेम नेचर होता है डैमेज का, ठीक है, उसके ऊपर डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट होती है ना, जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जो बॉल्स बनना स्टार्ट होती है ना, कॉटन के अंदर जो बॉल्स बनना स्टार्ट होती है ना, तो ये क्या करते हैं, उसके बाद बॉल्स जो बनती है उसके अंदर डैमेज करते हैं। अब डैमेज कैसे करते हैं, इसकी जो कैटरपिलर जो होती है ना, ये मान लो कैटरपिलर है, ऐसी दिखती है कैटरपिलर, तो कैटरपिलर जो होगी वो क्या है, इस बॉल के ऊपर आएगी, है ना, आने के बाद क्या है, इसके अंदर वो छेद करेगी, छोटी जो बॉल्स होगी छेद करेगी, छेद करने के बाद ये क्या है, एंटायरली इसकी पूरी जो बॉडी है वो इसके अंदर इंटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था अमेरिकन बॉलवर्म, या फिर बात करें ग्राम जो पॉड बोरर पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि उसका हाफ पोर्शन जो बॉडी का है वो बाहर रह रहा था, ठीक है, और बाकी हाफ इसका जो फ्रंट साइड है वो इसके अंदर इंटर थी, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ये पूरी इसकी जो बॉडी है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी, और इसके अंदर ही अंदर वो क्या है, जितना भी मतलब कि अगर बात करें रेशा बन रहा हो तो उसको ख़राब करेगा, प्लस में क्या है सीड जो है या जूसी कंटेंट जो भी इसके अंदर मैटर है, मटेरियल जो होता है उसको फीड करता रहता है। और यहाँ इंटर होने के बाद, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही इंटर होगा, इंटर होने के बाद ये क्या करता है, इसको यहाँ से क्लोज कर देता है वापस, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही इंटर हुई कैटरपिलर, उसके बाद इसको वापस क्लोज कर देता है। अपनी जो एक्सक्रीटा जो होती है, एक्सक्रीटा जो होती है, या बात करें जो विष्ठा होती है, उससे क्या है इसको बंद कर देता है, जिससे क्या है आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का क्या है, सिर्फ स्पॉट दिखाई देता है, एक धब्बा दिखाई देता है, ठीक है। और बाकी क्या है, ये बॉल बाहर से बंद रहती है, इसलिए बाहर से अगर देखा जाए तो एकदम से हमें पता नहीं चलता कि इस बॉल के अंदर कोई पेस्ट भी है क्या, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर ये स्टार्टिंग स्टेज में, यानी कि जब ये बॉल जो है, ये बॉल्स अगर बहुत छोटे हैं, है ना, उसी कंडीशन में अगर इसका डैमेज स्टार्ट होता है तो क्या होगा, ये विदरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, विदरिंग यानी कि मुरझाना जिसको बोलते हैं, यानी कि ये मुरझाने लगते हैं, और यहाँ से क्या होगा, ये बॉल्स कई बार तो क्या है टूट जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हमें लॉस होता है। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, या मान लो बात करें अगर थोड़ा सा लेटर स्टेज में, यानी कि बॉल बनते समय नहीं अटैक होके थोड़ा सा लेटर स्टेज में अगर डैमेज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्री मैच्योर जो भी बॉल्स होती हैं, ठीक है, प्री मैच्योर बॉल्स होती है, यानी कि अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है वो, ठीक है, खुलने लायक नहीं है, तो वो क्या होती है, ओपन हो जाती है, ठीक है, ओपन होने लग जाती है, यानी कि अभी उसके अंदर पूरी तरह रेशा बना नहीं है, उससे पहले ही अगर वो बॉल ओपन होने लग जाएगी तो क्या होगा, एक तो रेशा पूरा नहीं बनेगा, प्लस क्या होगा, इसके अंदर जो भी रेशा होगा वो क्या होगा, बहुत ही घटिया क्वालिटी का रेशा होगा, और जिसका क्या होगा, इस रेशे का हमें कोई मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरीके से लॉस करता है ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज, ऐसे ही डैमेज करता है स्टार्टिंग में लीफ से, फिर उसके बाद जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होंगे उसके ऊपर, और फिर क्या है, जो बॉल होगी उसके अंदर इंटर होगा, इंटर होने के बाद बॉल को क्लोज कर देगा ये, ठीक है, अपनी जो भी विष्ठा होगी, एक्सक्रीटा होगी, उससे बंद कर देगा, उसके बाद अंदर ही अंदर इसको फीड करता रहता है। अगर लेटर स्टेज में हो तो क्या है, प्री मेच्योर जो बॉल्स होती है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ डैमेज मैंने आपको बताया, लीव्स के ऊपर स्टार्ट करेगा, ठीक है, सॉफ्ट ब्रांचेस को उसमें क्या छेद करेगा, होल एंड टनल, फिर क्या है टनल बनाएगा, जो ब्रांचेज जो होती है, शाखाएं होती है, बैंड होती है, यानी कि मुड़ जाती है, मुड़ने लगती है, मुरझाने लगती है, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, इसकी जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो क्या होगी, स्टंट हो जाएगी, या बात करें रुक जाती है, प्लांट की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद जो फ्लावर बड्स है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि उसके बाद जैसे ही फ्लावर आएंगे तो क्या है, फ्लावर पे अटैक स्टार्ट करेंगे, तो फ्लावर बड्स है वो क्या है,
फॉल डाउन होने लगते हैं, फेलिंग होने लगते हैं, यानी कि नीचे झड़ने लगते हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो पहले ही झड़ने लगते हैं, अगर पहले ही झड़ गया तो उससे बॉल नहीं बनेगी, अगर बॉल बनती है तो बाद में मैंने जो आपको बताया वो सारे सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो बड्स झड़ने लगती है एंड रोटन यानी कि सूखने लगती है। ठीक है, बदबू आने लगती है इसके अंदर। ठीक है, फिर इंटर इन स्मॉल बॉल्स, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद ये कैटरपिलर क्या करेगी, जो छोटी छोटी जो बॉल्स होती है उनके अंदर इंटर करेगा। ठीक है, इंटर करेगा, इंटर करने के बाद क्लोज बाय एक्सक्रीटा, अपनी जो एक्सक्रीटा होती है, इसकी विष्ठा जो होती है, उसके थ्रू इसको क्या है, बंद कर देता है, फॉल डाउन। ठीक है, फॉल डाउन का मतलब क्या है, नीचे गिरने लग जाती है। एंड ओपन प्री मेच्योर बॉल्स, यानी कि जो अभी पूरी तरह पकी हुई भी नहीं है वो बॉल भी क्या है, ओपन होने लग जाती है, और उससे क्या होगा, जो रेशो है वो पूरी तरह नहीं बन पाता। फिर है अटैक ऑफ फंगस। ठीक है, इसके साथ साथ अब क्या होगा, जो फ्लावर हमने पढ़ा था, अभी ये जो फ्लावर मैंने आपको बताया था, अब ये फ्लावर अगर समय से पहले खुल गया, ठीक है, या फिर बात करें जो भी बॉल थी, है ना, जो भी बॉल थी, अगर ये भी समय से पहले खुल गया, है ना, तो इससे क्या होगा, ओपन हो गया तो इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा, है ना, लिक्विड जो होगा उसके थ्रू क्या है, जो ग्लूम सा होता है, इस ग्लूम की वजह से क्या होगा, जो फंगस होती है उस फंगस का अटैक भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस पेस्ट के साथ साथ फंगल अटैक और हो जाता है, इसके साथ हमें क्या है, डबल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अब इस पेस्ट की, अब एक तो ये हो गया जो अभी मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, स्पॉटेड बॉलवर्म, ये हम किसका पढ़ रहे हैं, स्पॉटेड का, और एक हम आगे अभी जो पढ़ेंगे पिंक बॉलवर्म का। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये जो स्पॉटेड बॉलवर्म है ना, ये फ्लावर के जो ओवरी पार्ट जो होता है, ठीक है, ओवरी जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, अगर फ्लावरिंग बात करें कि अगर फ्लावर कंडीशन में ये डैमेज करता है तो उसका जो ओवरी वाला पार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा ये प्रेफर करता है, यानी कि इसके ऊपर फीड करता है। ठीक है, लेकिन पिंक बॉलवर्म है जो, वो क्या है, एंथर वाला जो पार्ट होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इतना सा डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, ओवरी, ओवरी को ज़्यादा प्रेफर करता है, अप टू 80% इस पेस्ट के द्वारा क्या है, 80% तक लॉस देखा गया है, 80% तक क्या है, इसके द्वारा लॉस देखा गया है क्रॉप के अंदर बहुत बार। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। ठीक है, क्या लाइफ साइकिल, ठीक है, तो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया कि इसके लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी, 4 स्टेज। ठीक है, 4 स्टेज होती है, यानी कि क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब वो 4 स्टेज कौन कौन सी होती है, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, तो बात करेंगे स्टार्टिंग से एग, तो एगलिंग जो इसकी है, ठीक है, वो कहाँ होती है, लीव्स पे, लीव्स पे जरूरी नहीं है, यानी कि प्लांट का जो भी सॉफ्ट पार्ट होगा, ठीक है, जो भी सॉफ्ट पार्ट होगा उन सब के ऊपर क्या है, इसकी फीमेल जो है वो एगलिंग करती है। एगलिंग कैसी होती है, सिंगली, सिंगली का मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, यानी कि ग्रुप में नहीं दे के एक एक करके एग्स दिए जाते हैं, 200 से 500 तक एग्स दिए जाते हैं एक फीमेल के द्वारा। सॉफ्ट पार्ट अब कौन कौन से हो सकते हैं, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, बर्ड्स हो गया, या फिर स्मॉल फ्रूट्स, छोटे जो फ्रूट होते हैं, छोटी बॉल्स होती है, उनके ऊपर भी इसका डैमेज होता है, सॉरी इसके ऊपर भी क्या, इसकी एग लेइंग होती है, और एग का साइज़ क्या होता है, लगभग 1 mm तक। ठीक है, तो यानी कि इसका अब एगलिंग का आपका सीधा से ध्यान रखना है कि एग जो स्टेज है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होंगे उन सब के ऊपर क्या है, इसकी एगलिंग होगी। अब सॉफ्ट पार्ट के बाद आपको उसके नाम भी लिखने हैं, ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो ये सब नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कैटरपिलर स्टेज की। ठीक है, तो कैटरपिलर क्या होगा, इसका स्टार्टिंग जो स्टेज होगी उसमें लाइट वाइट कलर का होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, लाइट वाइट कलर का होता है, लेकिन हेड जो होता है उसका क्या होता है, वो ब्लैक, सिर जो होता है वो गहरे काले रंग का होता है। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, स्मॉल हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या है, आपको हेयर्स दिखेंगे, रोम जिसको बोलते हैं, उससे बॉडी कवर रहती है। ठीक है, 1.2 to 1.3 इसका साइज होता है। अब इसके बाद क्या है, यानी कि जो
इसका स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, यानी कि जब ये डैमेज स्टार्ट करती है एग हुई, एग के हैचिंग होने के बाद जैसे ये डैमेज स्टार्ट करेगी उसके 24 आवर्स बाद, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स ये क्या है, इंटर कर जाती है किसके अंदर, जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो मान लो पहले लीव्स पे थी, उसके बाद क्या है बर्ड्स में या फिर स्मॉल जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर इंटर कर जाएगी, और इंटर करने के बाद क्या है टनल बनाती है जैसा मैंने अभी आपको बताया, यानी कि सुरंग बनाएगी और उसके अंदर ही अंदर क्या है फिर उसको फीड करती रहती है, ठीक है। 3 से 4 बार इसके अंदर मोल्टिंग होती है। स्टार्टिंग में साइज इसका मैंने आपको बताया 1.2 to 1.3 होता है, जो बाद में क्या है 22 to 25 mm तक बढ़ जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्यूपल स्टेज की। तो जो कैटरपिलर जो है ना पूर्ण, जब अब ये 3 या 4 बार मोल्टिंग होने के बाद ये साइज जब इसका हो जाएगा तो ये क्या करेगा प्यूपा के लिए, है ना, प्यूपा प्यूपेशन में आने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले जो ब्रांच या जहाँ भी है उससे निकल के क्या आएगा सोइल के ऊपर आएगा, ठीक है। सोइल के ऊपर क्या है बिलो है, बिलो स्टेम यानी कि जो तना है उसके निचले भाग पे, ठीक है, या फिर जो लीव्स गिरी हुई है, जो फॉल्स लीव है ना, नीचे जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनके ऊपर सोइल के ऊपर, है ना, सोइल के ऊपर जितनी भी पत्तियां गिरी हुई है उनकी निचली जो उनके नीचे पत्तियों के या फिर स्टेम जो होता है, स्टेम के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे क्या होता है ये प्यूपेशन में होता है, ठीक है, यानी कि प्यूपा में बदलता है। और ये प्यूपा कैसा होता है, डल वाइट यानी कि जो है मटमेले सफ़ेद, इसको क्या बोलते हैं मटमेला सफ़ेद कलर होता है इसके प्यूपा का, ठीक है। और साइज होता है 20 mm, और जैसा कि नॉर्मल अगर बात करें प्यूपा की वैसा ही होता है, यानी कि आगे वाला जो हिस्सा होता है इसका थोड़ा सा बड़ा होता है और पीछे से क्या होता है एक्यूट होता है, यानी कि पतला होता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा क्या होता है वाइड होता है या फिर चौड़ाई में होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे एडल्ट की, तो इसके एडल्ट का साइज होता है 12 mm, 12 mm साइज होता है, लेकिन इसकी विंग का ये 21 mm क्या है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, यानी कि उसका विंग स्प्रेडिंग जो है पंखों का फैलाव जो है वो कितना होता है 21 यानी कि 21 mm तक होता है। माउथ पार्ट्स होते हैं इसमें साइफनिंग टाइप के, ठीक है, साइफनाकार माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग होते हैं, लेकिन इसमें अब ध्यान रखना ये दोनों चीज़ अलग अलग याद कर लेना, एडल्ट में तो कैसे होते हैं साइफनिंग, लेकिन अभी मैंने आपको बताया इसकी कैटरपिलर जो स्टेज होती है उसके अंदर कैसे होते हैं माउथ पार्ट्स बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, ठीक है, काटने और चबाने वाले। फिर पिंक वाइट, बाद में इसका कलर क्या हो जाता है पिंकिश वाइट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। उसके बाद अब बात करेंगे इसकी फोर विंग्स की, यानी कि आगे वाली जो पंक्स होती है फोर विंग्स क्या होती है, इनके ऊपर एक गहरे रंग की, ठीक है, ब्रॉड ग्रीन स्ट्रिप यानी कि अगली जो पंख होती है उन विंग्स के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये विंग्स हैं तो इनके ऊपर क्या है गहरे हरे रंग की एक क्या है पट्टी पाई जाती है, ठीक है, विंग्स के ऊपर। अभी जब आगे डायग्राम दिखाऊंगा उसको आपको समझ में आ जाएगा उससे आपको। और हाइंड विंग्स जो होती है वो क्या है वाइट कलर की होती है, ठीक है। ये क्या है इसके करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इसको पहचानने के लिए कि जो एडल्ट है वो कैसा दिखता है, एग स्टेज कैसी होती है, लार्वा, है ना, ये सब क्या है इसके लाइफ साइकिल, ठीक है। अब लाइफ साइकिल में ये मैंने आपको बता दिया, अब कितने कितने दिन का होता है वो ध्यान रखना। अब यहाँ मैंने आपको दो दो चीज़ दो दो बार लिख रखा है ना, इस दो दो का मतलब क्या है कि इसकी जो नॉर्मल बात करें यानी कि अगर समर सीजन की बात करें ग्रीष्मकालीन जो होता है उसके अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर बात करें विंटर सीजन की, ठीक है, विंटर सीजन जब आता है जब सर्दी ज़्यादा होती है उस समय क्या होता है कि इसकी जो प्रत्येक जो स्टेज है वो क्या है थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है मेनली अगर बात करें तो कैटरपिलर स्टेज जो है उसका रीज़न क्या है कि ये क्या है क्यूसेंस में या फिर डोरमेंसी में सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। तो नॉर्मल अगर बात करेंगे ये 3 to 4 का मतलब क्या है कि समर सीजन में नॉर्मल कंडीशन में 3 से 4 दिन में एग से क्या है लार्वा बनता है, और अगर बात करें विंटर सीजन की तो 8 से 9 दिन बाद में क्या होगा इसका लार्वा या फिर कैटरपिलर है जो वो बनता है, ठीक है। और अब बात करेंगे लार्वा या कैटरपिलर स्टेज की, तो इससे 10 से 12 दिन बाद क्या होगा प्यूपा बनेगा, और या फिर विंटर सीजन है तो 15 से 20 दिन बाद बनेगा। ऐसे ही प्यूपा से 5 से 15 दिन बाद एडल्ट बनता है, अगर विंटर सीजन है तो क्या होगा 18 से 30 दिन लग जाते हैं उसके अंदर। फिर एडल्ट जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन के 3 से 4 दिन बाद वापस क्या एगलिंग स्टार्ट हो जाती है, और यही क्या है इसका साइकिल चलता रहता है। अब इसमें क्या है एक ध्यान रखना आपके, तो एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है,
ठीक है, चार स्टेज होती है लाइफ साइकिल में। अब टोटल लाइफ साइकिल देखो, 21 से 35 दिन का तो होगा कब, समर सीजन में, ठीक है, समर सीजन जो होगा उसमें 21 से 35 दिन का होगा, लेकिन 34 to 64 days का होता है किसमें, विंटर सीजन में, ठीक है। एक साल में इसकी 7 से 8 जनरेशन पाई जाती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, चलो पहले एडल्ट ही देख लो, एडल्ट के ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि इसके फोर विंग्स जो होते हैं, आगे वाली जो अग्र जो क्या है इसकी विंग्स जो होती है उसके ऊपर ग्रीन कलर की क्या है, एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है, दिख रही होगी सबको, दिखाई दे रही होगी, ये क्या है इसके फोर विंग्स, ठीक है। हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है इसका, जो कैटरपिलर जिसको बोलते हैं ना, वो है कैटरपिलर है, ये स्टेम है, स्टेम के अंदर इसने टनल बना रखी है और टनल के थ्रू ये क्या है फीड कर रहा है। अब बात करेंगे यहाँ, ये दिख रहा है आपको, ये बॉल के ऊपर इसका अटैक है, यानी कि जिस टाइम बॉल बनता है या फिर फ्रूट बनता है कॉटन का, उस टाइम इसका जो अटैक होता है, तो क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये इसका कैटरपिलर है और ये धीरे धीरे क्या है इसके अंदर इंटर हो रहा है ना, जो बॉल है उसके अंदर इंटर हो रहा है। यहाँ देख लो आप, यहाँ पे इसने क्या है इसको पूरी तरह फीड किया हुआ है और इसके धीरे धीरे अंदर इसके इंटर कर रहा है। अब ये जो बॉल है इस कंडीशन में क्या होगा, या तो ये प्री मैच्योर खुल जाएगी, ठीक है, पूरी पकी हुई नहीं होगी, उस समय भी खुल जाएगी, तो क्या है रेशा जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, या फिर क्या है अगर बहुत जल्द समय पर हो जाए तो ये झड़ भी जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले तो डीप प्लोइंग। अब डीप प्लोइंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इसकी जो प्यूपल स्टेज जो होती है, प्यूपा जो बनता है वो कहाँ बनता है, सोइल के अंदर। अब सोइल के अंदर बनेगा तो जैसे ही हम डीप प्लोइंग करेंगे तो प्यूपा वो क्या है नष्ट हो जाएगा, ठीक है। रोगिंग, अब रोगिंग का मतलब क्या है, अवांछित जितने भी पौधे होंगे, ठीक है, अवांछित जितने भी पौधे होंगे क्रॉप के अंदर उनको हटा देंगे। अब यहाँ क्या है ध्यान रखना कि अगर कॉटन की बात है तो यहाँ पे कोई भी मालवेसी जो है, मालवेसी क्रॉप, अदर कोई भी मालवेसी क्रॉप है उसका प्लांट तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हुआ तो उसके ऊपर कंफर्म इसका डैमेज होगा, या इसको लाइफ साइकिल चलाने के लिए, मान लो एक बार कॉटन में फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो इसको लाइफ साइकिल चलाने के लिए क्या है एक अल्टरनेट होस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमें कंटिन्यूस लॉस होता रहता है, ठीक है। यानी कि जो भिंडी वगैरह की क्रॉप है उसको नहीं लगाना चाहिए, फिर है या हटा देना चाहिए प्लांट हो तो भी। डिस्ट्रॉय अफेक्टेड प्लांट, अफेक्टेड पार्ट्स यानी कि जिन पार्ट्स के ऊपर, अगर बात करें आपको दिखाई दिया गया कि इस बॉल के ऊपर इसका अटैक है, ठीक है, आपने देख लिया तो उस बॉल्स को हटा दो, या फिर कुछ लीव्स जो है जिसके ऊपर आपको कैटरपिलर फीड करता हुआ दिख जाए, तो जितने भी अफेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं हम हटा देते हैं, ताकि इसके आगे नुकसान होने से बचा जा सके। फिर है फिरोमोन ट्रैप, इसके लिए क्या है फिर फिरोमोन ट्रैप यूज़ करते हैं, मेनली क्या है जो डेल्टा टाइप का फिरोमोन ट्रैप होता है वो यूज़ किया जाता है, ताकि क्या है इसके जितने भी मेल्स जो होंगे उनको अट्रैक्ट करके और मारा जा सके। फिर है स्प्रे, ये नीचे कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक का प्रति हेक्टर डोज जो दी गई है उसके अनुसार स्प्रे करते हैं। ट्राइजोफोस 40 EC की 1.5 लीटर मात्रा, स्पाइनोसेड 48 SC 150 ml, या फेनिट्रोथियोन, या फिर पायरोक्लोरीफोस 50 EC का क्या है 3 लीटर, या फिर 1.5 लीटर जो मात्रा है उसको लगभग 500 लीटर स्टैंडर्ड जो क्या होता है वो 500 लीटर जो वाटर होता है उसके अंदर मिक्स करके प्रति हेक्टर के हिसाब से इनको फील्ड में डालते हैं, ठीक है, स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर। फिर यहाँ पे क्या है आपको कुछ नेचुरल एनिमीज दिए गए हैं, ये क्या है नेचुरल एनिमीज, प्राकृतिक शत्रु जो है, ट्राइगोग्रामा स्पीसीज हो गया, या फिर क्या है इलेसमस स्पीसीज, इनको क्या करते हैं ये क्या करते हैं इसकी जो कैटरपिलर स्टेज जो होती है उसके ऊपर एज ए पैरासाइट रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि इसको तो नुकसान पहुंचाएंगे और हमें अल्टरनेट क्या होगा इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो एक जो पेस्ट है, यानी कि हम बात की थी अभी बॉलवर्म की, तो उसके अंदर 3 बॉलवर्म थे, अमेरिकन हमारे कोर्स में नहीं है, ये था स्पॉटेड बॉलवर्म। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे पिंक बॉलवर्म, एक मिनट में चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पिंक बॉलवर्म की, ठीक है, सेकंड जो पेस्ट है पिंक बॉलवर्म। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेक्टिनोफोरा गोसिपेला, ठीक है, पेक्टिनोफोरा गोसिपेला। फैमिली इसकी है गैलेचिडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है,
ठीक है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, सेम चीज़ें रिवाइज होगी, वो जो इसका और अभी हमने जो पढ़ा था इनका डैमेज लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़े बहुत सिम्टम अलग होंगे, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो इसकी नेचर ऑफ डैमेज, इसका डैमेज स्टार्ट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई कॉटन का क्या है, फ्रूट है, ठीक है, या आप बात करें बॉल है, ये मैच्योर हुई, ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, रेशा है, स्टेपल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टेपल होगा, इसके साथ साथ प्लस इसमें और क्या होगा, सीड्स होंगे, ठीक है, बीज होंगे। अब इसकी जो है कैटरपिलर जो स्टेज होती है, ये बहुत छोटी होती है, इसकी कैटरपिलर है उसकी बजाय, तो इसकी जो कैटरपिलर है ये क्या करती है, ये जो सीड्स है इन सीड्स के अंदर, सीड का जो कोटिलेडन होता है उसके अंदर एंटर होके और वहाँ पे क्या है, ये डोरमेंसी में रहती है, ठीक है, डोरमेंसी में रहेगी, यानी कि सुसुप्तावस्था में रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है, डोरमेंसी में रहेगी, तो क्या है, जैसे ही हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया, उसके बाद हमने कॉटन को अलग किया, सीड्स को अलग लिया, अब ये जो सीड्स है, इन सीड्स को जब हम दोबारा से ग्रो करते हैं, अगर इन्हीं सीड्स को आप दोबारा से उगाओगे, ग्रो करोगे, तो ये क्या है, इससे क्या आ जाएगी, फील्ड के अंदर, मान लीजिए ये फील्ड है ना, अब फील्ड के अंदर हमने क्रॉप लगाई, अब उसका क्या है, क्रॉप जो है दोबारा से उगने स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसी कंडीशन में, यानी कि स्टार्टिंग से ही क्या होगा, अब ये जो सीड है इससे क्या है, कैटरपिलर बाहर आएगी, और ये कैटरपिलर क्या है, धीरे धीरे ये जो प्लांट है इनकी लीव्स वगैरह को खाएगा, ठीक है, और खाने के बाद क्या है, इससे फिर प्यूपा बनेगा सोइल में आके, और प्यूपा से फिर क्या, एडल्ट बनेगा, एडल्ट जो है वापस फिर क्या, वैसे ही जैसा उसमें था, लीव्स पे या जितने भी सॉफ्ट पार्ट होंगे, है ना, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस होगी, उन सब के ऊपर क्या करेंगे, एगलाइंग करेंगे, एगलाइंग करने के बाद क्या, उससे वापस क्या निकलेंगे, कैटरपिलर निकलेंगे, और ये कैटरपिलर क्या है, वापस से इसको डैमेज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इसका साइकिल चलता रहता है, यानी कि ये डोरमेंसी में किस में रहते हैं, सीड्स में, और सीड्स के थ्रू इनका क्या, दोबारा से इनोकुलेशन होता है और पूरे में दोबारा से लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, स्टार्टिंग स्टेज में डैमेज बिल्कुल सेम है जैसा उसके अंदर है, वैसे ही होगा, इसके अंदर भी क्या होगा कि लीव्स को फीड करेगा, प्लस जितने भी सॉफ्टवेयर है, ब्रांच है, ब्रांचेज हो गया, स्टेम हो गया, उन सब के अंदर ये लॉस करेगा, और जैसे ही फ्लोरिंग आएगी, है ना, यानी कि जैसे ही फ्लोवर बनेगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, इसका अटैक फ्लोवर के ऊपर भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जैसे उसके अंदर था ना, जब अभी मैंने पहले पढ़ा था स्पॉटेड बॉलवर्म जो पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि इसका जो डैमेज है वो किसको प्रेफर करता है, ओवरी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पिंक बॉलवर्म की, तो ये क्या है, जो एंथर वाला पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम होगा, इससे क्या होगा, जो फ्लावर है, एक तो इसके अंदर सिम्टम ध्यान रखना, फ्लावर जो होते हैं, एक सिम्टम बोलते हैं इसको रोजेटी फ्लावर्स, रोजेटी फ्लावर्स, ये सिम्टम है जो, ये किसका है, पिंक बॉलवर्म का है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रोजेटी फ्लावर सिम्टम किसका है, तो ये पिंक बॉलवर्म का है। इससे क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना वो खुल के थोड़ा सा अजीब सा ऐसे रोज के आकार का हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रोजेटी फ्लावर्स बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अगर फ्लावर में करेगा या फिर फ्लावर बड जो होती है, कलिका होती है, उसके अंदर करेगा, तो ये क्या, कलिका जो होती है वो मुरझाने लग जाती है और जो फ्लावर है वो गिरने लग जाते हैं। अब फ्लावर गिरेंगे तो उससे क्या होगा, बड्स या बॉल्स ही नहीं बनेंगी, अब बॉल्स नहीं बनेंगी तो क्या होगा, इसका डैमेज भी ज़्यादा होगा, और हमें क्या है, जो इकोनॉमिक बात करें, अगर इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर बात करते हैं इसके बाद की, यानी कि इसके लेटर स्टेज में, जैसे ही बॉल्स बनती है, ठीक है, अब ये बॉल है मान लीजिए, तो जैसे बॉल बनेगी, बॉल बनने के बाद इसकी जो कैटरपिलर होती है, ठीक है, सेम उसकी उसी की तरह है, इसकी जो कैटरपिलर है वो भी क्या है, एंटर करेगी यहाँ से, मान लीजिए इसके अंदर एंटर हुई है, ठीक है, एंटर होने के बाद धीरे धीरे ये क्या है, पूरी जो है इसके अंदर एंटर हो जाती है इसके अंदर, लेकिन इसमें और उसमें, बॉल के अंदर एंटर हो जाएगी, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि वो क्या करती थी, ये जो होल है, ठीक है, यहाँ जो होल था, इस होल को वो क्या करती है, अपनी जो एक्सक्रीटरा होती है उससे बंद कर देता है ना, स्पॉटेड बॉलवर्म जो होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इस कंडीशन में ये इसको बंद नहीं करती है, ठीक है, ये इसको बंद नहीं करके क्या करती है,
कि ये पूरी इंटर हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे इंटर हो गई इसके अंदर। इंटर होने के बाद क्या है कि ये अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे क्या है, ये जो फ्रूट है इसका साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या है ये जो होल है ये अपने आप कवर हो जाता है, ठीक है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है देखने पे यहाँ पे एक बस सिर्फ स्पॉट, एक धब्बा सा दिखाई देता है, बाकी इसके अंदर ऐसे पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई होल है। अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो एक धब्बा आपको दिखाई देगा जहाँ से ये अंदर इंटर होती है। अब क्या होगा, पहले ये क्या होती है वाइटिश कलर की होती है, बाद में धीरे धीरे क्या है इसका कलर पिंक हो जाता है, इसलिए इसको पिंक बॉलबम बोलते हैं। अब ये पिंकिश कलर की होती है और अंदर इंटर होने के बाद अंदर ही अंदर ये क्या है जो भी पल्प वगैरह होता है ना उसको सबको जूसी कंटेंट उसको सबको फीड करती रहती है। और बाद में क्या होता है ये जो सीड्स होते हैं सीड के अंदर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके द्वारा एक सिम्टम किया जाता है, मान लीजिए ये बॉल है इसके अंदर, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको सीड्स दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये सीड्स हैं ऐसे बने हुए, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, ये जो है बॉलवर्म इसकी खास बात क्या है, ये क्या करेगा इंटर होने के बाद, मान लीजिए यहाँ से ये क्या है इस सीड के अंदर इंटर हुआ, ठीक है। इंटर होने के बाद एक सीड से जैसे ही दूसरे सीड के अंदर जाता है, ठीक है, एक सीड से दूसरे सीड के अंदर इंटर करेगा तो ये इन दोनों सीड्स को क्या है आपस में जोड़ देता है। यानी कि ये जो सीड्स है आप जैसे इसको हार्वेस्ट करोगे अलग करोगे तो ये जो सीड्स हैं ये आपको क्या है अलग ही दिखेंगे, ठीक है। दोनों जो सीड्स हैं ये आपको अलग ही दिखेंगे, आप इनको एक ग्रुप बना हुआ दिखेगा आपको इन सीड्स का, ठीक है। ऐसे ही क्या है लगभग सारे जो सीड्स होते हैं जहाँ जहाँ इनका डैमेज होता है वो क्या करते हैं धीरे धीरे इनको जोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा कि इसका डैमेज जो है वो कैसे दिखाई देगा आपको, ये दोनों सीड है ये दो नहीं दिख के आपको एक ही दिखेगा, यानी कि जुड़े हुए दिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल सीड फॉर्मेशन, डबल सीड फॉर्मेशन। अब ये डबल सीड फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना डबल सीड फॉर्मेशन ये जो सिम्टम है ये किसका है पिंक बॉलवर्म का, ठीक है। पता चल गया, एक तो रोजेटी फ्लावर्स हो गया, एक डबल सीड फॉर्मेशन, ये दोनों सिम्टम किसके द्वारा होते हैं पिंक बॉलवर्म के अंदर। यानी कि दो जो सीड्स होते हैं उनको आपस में ये जोड़ देता है, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं डबल सीड फॉर्मेशन। बस ऐसे ही इसका डैमेज होता है और जैसा बाकी उसके अंदर सेम होता है इसके अंदर थोड़े से ये अलग है सिम्टम इसके। चलिए आगे देखते हैं नेचर ऑफ डैमेज में। होस्ट प्लांट में इसमें भी सेम ही है, जैसे मैंने आपको बताया था मालवेसी कुल के ना जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर ये डैमेज करेगा। कैटरपिलर इन डोरमेंसी विद इन सीड, सीड के अंदर डोरमेंसी में रहता है, बात होगी अपनी। फिर क्या है लीव्स पे सॉफ्ट ब्रांचेज जो है उन पे होल बनाएगा एंड टनल बनाएगा, वैसे ही क्या है टनल बनाएगा सुरंग बनाएगा नुकसान पहुंचाएगा, ब्रांचेज बैंड्स हो जाती है, ठीक है। कलिकाएं जो है वो मुड़ जाती है, स्टंटेड ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ है वो कम रह जाती है। फ्लावर बर्ड्स फेलिंग यानी कि जो फ्लावर बर्ड्स होती है वो गिरने लग जाती है, पुष्प कलिकाएं जो होती है एंड रोटन यानी कि ख़राब होने लग जाती है, सड़न होने लग जाती है उनमें। फिर है अब क्या है इंटर इन स्मॉल बॉल्स, जैसे इंटर होगी, अब यहाँ तक तो सेम था, इंटर होगी उसके बाद ये क्या क्लोज्ड, ये क्लोज उसके द्वारा की नहीं जाती है, यानी कि इसके अंदर बॉलवर्म जो है उसका कोई रोल नहीं रहता, ये क्या है बंद होती है। किसकी वजह से बंद होती है, जो फ्रूट का साइज है उसको इंक्रीज होने में समय के साथ साथ जैसे जैसे साइज बड़ा होगा उस साइज बड़े होने के साथ साथ वो जो होल है वो बंद हो जाता है अपने आप। फिर है इसका कैटरपिलर जो होगा वो बॉल्स होंगी जो छोटी बॉल्स होंगी, अभी हम बात किया था ना इंटर इन स्मॉल बॉल्स, तो ये जो होगी ये फॉल डाउन यानी झड़ने लग जाती है और ओपन प्री मेच्योर और समय से पहले ही खुलने लग जाती है जैसे उसके अंदर था। लेकिन क्या है यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी डबल सीड फॉर्मेशन, ये क्या होता है सिर्फ पिंक बॉलवर्म की वजह से होता है, दो सीड्स होते हैं दोनों सीड्स को आपस में जोड़ देती है ये डबल सीड फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ क्या है सड़न होगी, सड़न होने से क्या है उसके अंदर जो लिक्विड होगा, लिक्विड होने के साथ साथ क्या है वहाँ पे फंगल अटैक हो जाता है, सूटी मोल्ड लग जाता है और इसके द्वारा उससे क्या होता है 80% तक लॉस होता है, इससे 25-50% तक लॉस होता है। अब एंथर्स मैंने यहाँ क्यों लिखा है, अभी मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी कि जो स्पॉटेड बॉलवर्म है वो ओवरी वाला जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, जबकि पिंक बॉलवर्म जो है वो किसको प्रेफर करती है, जो एंथर वाला पार्ट होता है।
ओके चलिए बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो सेम है, इसके लाइफ साइकिल में भी क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, चार स्टेज होगी। अब वो स्टेज कौन कौन सी, सेम है, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट। अब एग में क्या है, सिंगली, ये भी क्या है, सिंगल एग्स देती है, 125 से 300 के आसपास, सॉफ्ट पार्ट्स, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स, इन सब पे एग्स देती है, सेम है वो सब चीज़ें। साइज इसका थोड़ा छोटा होता है, 0.5 mm होता है जो एग होता है। फिर बात करेंगे कैटरपिलर की, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वाइट कलर का होता है, हेड क्या है, ब्लैक होता है, लेटर ऑन बाद में क्या होता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। अभी आगे आपको फोटो दिखाऊंगा मैं इसकी, पिंक कलर का हो जाता है, 1 mm साइज होता है, और बाद में क्या है इसके अंदर लगभग 3 मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग होने के बाद इसका फाइनल जो साइज है वो क्या हो जाता है, 13 mm तक, 13 mm के आसपास हो जाता है। फिर प्यूपा, अब प्यूपा जो है वो क्या करता, कैसे बनता है, ऑन ड्राइड लीव्स, यानी कि जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं, ठीक है, सॉइल के ऊपर होगा, तो इसमें भी सॉइल में, सॉइल के ऊपर क्या है, जो सूखने के बाद जो पत्तियाँ गिर जाती है ना, तो इन पत्तियों के अंदर, ठीक है, पत्तियों के अंदर, या फिर क्या होता है, सॉइल के ऊपर ही क्या है, ये टनल बनाती है, सुरंग बनाती है, और सुरंग के अंदर ही क्या है, प्यूपा में बदलती है, ठीक है, ऑन ड्राइड लीव्स ऑन सॉइल और विद इन टनल, ठीक है, टनल के अंदर होती है। ब्राउन कलर, भूरे रंग का होता है, और 6 mm इसका साइज होता है, ठीक है, जो प्यूपा होता है उसका साइज क्या होता है, 6 mm। फिर है एडल्ट, अब बात करेंगे प्रोड कीट जो होता है एडल्ट, तो इसमें क्या है, 7 mm साइज होता है, लेकिन 16 mm तक क्या होता है उसका जो विंग्स होता है उसका स्प्रेडेशन जो है, यानी कि पंखों का फैलाव जो है वो क्या होता है, 16 mm के आसपास। माउथ पार्ट इसमें भी साइफनिंग टाइप के होते हैं, और कैटरपिलर में कैसे होंगे, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, ये चीज़ ध्यान रखना, भी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फोर विंग्स जो है आर एक्यूट एट टिप्स, यानी कि जो सिराएं होती है ना, कॉर्न वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होगी, ये थोड़ी सी एक्यूट होगी, यानी कि पतली होगी कॉर्नर से, विद ब्रॉड ब्राउन स्ट्रिप, इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जैसे उसके अंदर क्या थी, ग्रीन पट्टी थी, वैसे इसके अंदर क्या है, ब्रॉड यानी कि चौड़ाई में क्या होगी, एक भूरी पट्टी होती है, ठीक है, इसके एडल्ट के ऊपर, तो ये डिफरेंस है इनमें। चलिए बात करते हैं लाइफ साइकिल की, इसके अंदर भी चार स्टेज है, एग जो है 4 से 21 दिन बाद लार्वा में बदलता है, लार्वा या कैटरपिलर, ठीक है, फिर 10 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में बदलता है, उससे 6 से 20 दिन बाद क्या एडल्ट बनता है, और एडल्ट में रिप्रोडक्शन होने के बाद 2 से 6 दिन बाद उससे क्या होता है, वापस एग का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, और ये साइकिल वापस से रिपीट होता रहता है। एक साल के अंदर इसकी 4 से 6 जनरेशन पाई जाती है, और टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो कितना होता है, 22 से 77 डेज का। अब ये इतना डिफरेंस जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो सीजन है, जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो है, अगर बात करें, अगर प्रॉपर क्लाइमेट हो, यानी कि उनके द्वारा उनके लिए जो सूटेबल जो क्लाइमेट है वो रहे, तो इसका लाइफ साइकिल 22 डेज में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर विंटर सीजन को इंक्लूड करें तो इससे क्या है, कैटरपिलर स्टेज जो होती है वो डोरमेंसी में होती है, उसके बाद क्या है, अगर इस कंडीशन में बात करें तो 77 डेज तक का हो सकता है, ठीक है। चलिए डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या है, एक प्री मेच्योर ओपन बॉल है, ठीक है, इसको खोल के देखा गया है, आप खोल के देखोगे तो इसके अंदर आपको ये जो पिंक बॉल वर्म है ये ऐसे दिख जाएगी, ठीक है, इसके कैटरपिलर आपको ऐसे दिखाई देगी, ये देख लीजिए, ये भी क्या है, अंदर आप जब इसको खोल के देखोगे प्लांट पार्ट्स को, तो इसके अंदर आपको ऐसी जो दिखाई देगी, हेड दिख रहा है आपको इसका, क्या है, ब्लैक कलर का होता है, बाकी पिंक कलर की होती है। ये क्या है, कॉटन का फ्रूट, ठीक है, फ्रूट या बॉल, अब दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्मॉल स्टेज में, अब इसको ये इमेज बड़ी लग रही है इसलिए लग रहा हो, लेकिन ये क्या है, फ्रूट जो है ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेज का फ्रूट है, इसके अंदर ये दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे होल बना के इसके अंदर इंटर होती है, इसकी जो कैटरपिलर है इंटर होने के बाद धीरे धीरे क्या है, पूरी इंटर हो जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो ये क्या है, कवर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बाहर से पता नहीं चलता है, ये इसका एडल्ट है, दिख रहा है, अभी हमने बात की थी, तो इसमें क्या है, ये भूरे रंग की पट्टियाँ होती है, जैसे उसके ऊपर क्या थी, ग्रीन कलर की थी स्पॉटेड बॉलवर्म में, और हाइंड विंग्स इसके भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस या वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, ये हो गए इसके डैमेज। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो सेम है, डीप्लोइंग इसमें भी करेंगे, रीज़न
डिप्लोइंग, मैंने आपको बता दिया इसकी प्यूपेशन जो होती है, प्यूपा स्टेज होती है, वो कहाँ होती है, जो ड्राइड लीव्स होती है, प्लांट पार्ट्स होते हैं सूखे हुए उनके ऊपर या सॉइल के ऊपर क्या है, ये जो टनल बनाती है ना, सुरंग बनाती है वहाँ पे, तो डिप्लोइंग से क्या है वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद फिर है सन ड्राइंग, है ना, 104 या तो सन ड्राइंग कर सकते हैं या फिर क्या है 104 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर का जो वाटर होता है उससे क्या करते हैं हम, पहले इसके जो सीड्स हैं उनको धोया जाता है इससे, यानी कि इसके इस टेम्परेचर तक उसको हम ट्रीट करते हैं। उससे क्या होगा कि हमने अभी आप देखा कि सीड्स के अंदर इसके क्या है, जो कैटरपिलर है वो ऐसे रहते हैं, यानी कि जोड़े हुए रहते हैं, डबल सीड फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। अगर आप पहली क्रॉप के सीड को दोबारा यूज़ ले रहे हैं जिसके अंदर पिंक बॉल वर्म का अटैक था, तो हमें क्या करना है, उनको धूप में सुखाए रखना है, या फिर क्या है 104 डिग्री जो फारेनहाइट टेम्परेचर है यहाँ तक इसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होगा, इसकी जो सुसुप्तावस्था में, यानी कि जो डोरमेंट कैटरपिलर जो होती है वो क्या है, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। फिर है रोगिंग, यानी कि अवांछित जो पौधे हैं उनको हटा देंगे क्रॉप से, मालवेसी क्रॉप के अगर कोई और प्लांट है उनको हटा देंगे। प्लस अगर मान लीजिए दो क्रॉप आपके दो फील्ड आसपास हैं, एक फील्ड ऐसा है यानी कि ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर पिंक बॉलबम का अटैक ज़्यादा हो रहा है, दूसरी के अंदर कम हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि उस वैरायटी के प्लांट जो है वो जिस क्रॉप में बहुत कम बॉलबम लगती है उसके साथ मिक्स ना हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। फिर है डिस्ट्रॉय अफेक्टेड प्लांट, इसमें भी क्या करते हैं हम, जो भी अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको हटा देंगे। फिर फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करते हैं, है ना, जो मेल्स होते हैं एडल्ट मेल्स को पकड़ने के लिए। फिर सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें मेन चीज़ क्या है, सीड ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि इसका डैमेज स्टार्ट ही कहाँ से होता है, सीड से। अब इसकी जो कैटरपिलर है वो सीड के अंदर क्या रहती है, डोरमेंसी में रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो इनोकुलेशन जो होता है वो सीड से ही होता है, थ्रू सीड, इसलिए हम इसको सीड ट्रीटमेंट ज़्यादा फोकस करते हैं। मेथाइल ब्रोमाइड जो होता है केमिकल, इसका क्या है फुल फॉर्म MB का, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड की 3.5 किलोग्राम मात्रा जो है उसको 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये क्या है 100 क्यूबिक मीटर आयतन है, यानी कि इतना जो सीड है उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के लिए रखते हैं। या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है गैस वाली टेबलेट जो होती है, 45 टेबलेट है, उसको 100 क्यूबिक मीटर जो एरिया है, यानी कि इतने जो सीड है उसके अंदर रखते हैं, एक हफ्ते के लिए ट्रीट करते हैं। इससे क्या होगा, ये क्या है गैसियस केमिकल्स है, इनसे क्या है गैस निकलती है, और ये गैस क्या होती है सीड्स वगैरह के अंदर इंटर होगी, और इससे क्या होगा कि जो कैटरपिलर डोरमेंट कैटरपिलर है जो डोरमेंसी में रह रही है वो क्या है नष्ट हो जाती है। फिर बात करेंगे स्प्रे की, तो ट्राइजोफोस मेनली तो क्या यूज़ करेंगे, ट्राइजोफोस 40 EC या स्पाइनोसेड 48 EC, इंडोक्साकार्ब या थाइडीकार्ब, इनका इनकी मात्रा क्या है, ये जो दी गई है आपको 1.5 लीटर, 150 ml, 500 ml, 625 ग्राम, इनको क्या है प्रति हेक्टर के हिसाब से निश्चित वाटर की क्वांटिटी जो होती है मेनली क्या, मैंने अभी आपको कई बार बताया 250 से 500 लीटर तक है उसको यूज़ किया जाता है, है ना। अगर वो ये वेरिएशन जो होता है ये होता है क्रॉप के अकॉर्डिंग। अगर बात करें ग्राम की क्रॉप की, अगर बात करें चने की क्रॉप, तो आपने देखा होगा उसकी साइज़ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो उस कंडीशन में 200 से 250 लीटर पानी भी सफिशियंट होता है। लेकिन अगर बात करें कॉटन क्रॉप की, तो कॉटन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है ना, प्लांट कैनोपी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि 500 की बजाय 600 लीटर तक भी वाटर हम यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, फिर है ये कुछ नेचुरल एनिमीज हैं, ठीक है, ट्राइफ्लेप्स पेक्टिनोफोरी है, ये क्या है एग के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है, और एपेंटलस पेक्टिनोफोरी ये क्या है लार्वा के ऊपर जो है वो पैरासाइट के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड, यानी कि पिंक बॉलवर्म। अब ये दो चीज़ हो चुकी है, स्पॉटेड बॉलवर्म और पिंक बॉलवर्म, और अमेरिकन बॉलवर्म का मैंने आपको बता दिया कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करेंगे रेड कॉटन बग की, ठीक है, बॉलबम सारी हो चुकी है तीनों, ठीक है, बॉलबम्स को अच्छे से पढ़ लेना, अभी एक क्वेश्चन पक्का आता है बॉलबम्स से और बड़ा क्वेश्चन आएगा। फिर बात करेंगे रेड कॉटन बग की, ठीक है, ये भी कॉटन का पेस्ट है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेड कॉटन बग, यानी कि इसमें क्या है रेड कलर की अहमियत होगी, अब वो कैसे होती है, इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉटन स्टेनर,
कॉटन स्टेनर, स्टेनर किसको बोलते हैं, जो रंगाई का जो काम होता है यानी कि स्टेन जो करता है या किसी कलर किसी चीज़ को कलर जो देता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेनर बोलते हैं, जैसे पैथोलॉजी की लैब में मोस्टली यूज होते हैं जो स्टेनर। तो वैसे ही क्या है इसको कॉटन स्टेनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है इसके जो भी स्टेज होती है लाइफ की अगर वो कॉटन के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है, यानी कि जो कॉटन का हम बात करें लिंट जो होता है रेसा होता है उसके साथ अगर किसी कॉटन फैक्ट्री में चला जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, इससे क्या होगा जो रेसा जो होता है ये वो क्या हो जाता है रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉटन स्टेनर भी बोला जाता है, रेड कॉटन बग। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डाइसडर्कस सिंगुलेटस इसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली है इसकी पायरोकोरिडी और ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अब यहाँ हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात हो रही है तो हेमिप्टेरा ऑर्डर के पेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने राइस के अंदर एक पेस्ट पढ़ा था ब्राउन प्लांट होपर, याद हो किसी को तो ब्राउन प्लांट होपर, वो भी क्या था हेमिप्टेरा ऑर्डर का था। तो हेमिप्टेरा ऑर्डर सामने ही आता ही आपको भी क्या है जैसे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में वैसे क्या एक पूरा ओवरव्यू सामने आना चाहिए, वो क्या चीज़ कि हेमिप्टेरा ऑर्डर है इसका मतलब क्या है कि एक फर्स्ट टू थिंक है क्या है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा फर्स्ट, तो ठीक है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। अब इनकम्प्लीट होगा तो मतलब क्या है लाइफ में क्या होगी ओनली तीन स्टेज होगी, ठीक है थ्री स्टेज होगी, इसके साथ साथ क्या है इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है ये भी है ना। तो जैसे बात करें जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है या लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो है उसके अंदर कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, सिर्फ कैटरपिलर है ना, तो इसके अंदर क्या है निम्फ और एडल्ट जो स्टेज है वो दोनों स्टेज क्या है नुकसान पहुंचाती है, ठीक है निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाती है। तो बात करेंगे होस्ट प्लांट की, होस्ट प्लांट इसमें भी सेम है मेनली तो क्या है मेजर जो होस्ट इसकी बात करें वो कॉटन ही है इसीलिए इसको रेड कॉटन बग बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा हम बात करें जैसे हमने पहले भी बताया मैंने आपको कि मालवेसी कुल से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर इसका नुकसान होता है। अब नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे, ठीक है तो इसमें क्या होगा सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसकी निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुँच जाती है, ठीक है निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुँचाएगी। अब ये क्या होता है इसके अंदर माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, इसके अंदर होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग, ठीक है इसके अंदर क्या है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के यानी कि चुभाने और चूसने वाले माउथ पार्ट्स मुखांग होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि इनकी जो भी प्रोबोसिस है ठीक है उसको या माउथ पार्ट है उसको पियर्स करेंगे किसी भी, अब मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए ये लीफ है ठीक है ये लीफ है, अब ये क्या करेगा इस लीफ के अंदर इसका जो भी निम्फ वगैरह होगा वो क्या करेगा अपनी जो सूंड जिसको प्रोबोसिस जो होती है या माउथ पार्ट जो होते हैं वो क्या है फॉरवर्डेड रहते हैं आगे की तरफ पतली नोक की तरह, तो ये क्या है इसके अंदर लीफ के अंदर उसको पंच करके और इससे क्या होता है लीफ जो सेप होता है ना प्लांट जूस जो होता है उसको सक करते हैं, ठीक है इससे क्या होगा ये लीफ जो है वो येलोइश कलर की होने लग जाती है बाद में, और ये सिर्फ लीफ में लागू नहीं होता यानी कि जितने भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स हैं उन सब पे ये सेम तरीके से लॉस करता है। तो निम्फ एंड एडल्ट हो गया, सेप सक करता है, सेप सक करता है कहाँ से लीफ से सॉफ्ट स्टेम से यानी कि कोमल जो तना होता है वहाँ से फ्रूट्स से, ठीक है फ्रूट जब बनेंगे तो फ्रूट बनने के बाद फ्रूट के ऊपर से भी जूस को सक करेगा, ठीक है फिर सीड्स यानी कि जो बीज बनते हैं तो बीज से भी क्या है ये क्या है बॉल के अंदर उसको पियर्स करके जो भी इसके माउथ पार्ट्स है उसके बाद जो सीड्स होते हैं सीड को भी क्या करते हैं ये फीड करते हैं सीड से भी क्या है सेप को सक करते हैं, इससे क्या होगा लीव्स बिकम येलो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लीफ जो है वो क्या होने लग जाएगी येलोइश होने लग जाएगी पीली पड़ने लग जाएगी एंड विदर, विदर का मतलब क्या होता है यानी कि मुरझाने लग जाती है, ठीक है येलो होगी स्टार्टिंग में तो पीली पड़ेगी उसके बाद क्या है मुरझाने लग जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ जो है इसकी वो छोटी रह जाएगी प्लांट की है ना, इसके बाद स्टेपल्स किसको बोलते हैं रेशा जो होता है ना रेशा जो होता है उसको बोलते हैं स्टेपल, तो स्टेपल क्या हो जाएगा रेड, अभी मैंने आपको बताया रेड कलर का हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट हैं उनकी एक खासियत क्या होती है
कि वो अपनी बॉडी से एक हनी ड्यू का सीक्रेशन करते हैं, किसका, हनी ड्यू, या बात करें एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करते हैं, श्राव करते हैं, हनी ड्यू बोल देते हैं उसको, लिक्विड है ना, लिक्विड होता है। इससे क्या होगा, ये जो गम लाइक होता है, तो इससे क्या होगा कि प्लांट के ऊपर जैसे ही ये फीड करेंगे उसके साथ साथ इसका सीक्रेशन करते हैं हनी ड्यू का, उससे क्या होगा, सूटी मोल्ड जो होती है, फंगस जो होती है सूटी मोल्ड, वो लग जाती है, ठीक है, सूटी मोल्ड लग जाती है, यानी कि फंगस का अटैक हो जाता है। तो हेमिप्टेरा ऑर्डर की खास बात क्या है कि ये डायरेक्ट जो डैमेज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्या है, ये इनडायरेक्टली क्या है, जितने भी फंगस वगैरह है उनको भी ये बढ़ावा देती है, इससे क्या है हमें डबल लॉस होता है, ठीक है। तो अटैक ऑफ फंगस क्या होगा, फंगस का अटैक होगा, और अप टू 30-50% इसमें क्या है, लॉस देखा गया है। मेनली जो इसका लॉस है वो किस मंथ के दौरान होता है, अगस्त टू अक्टूबर, ठीक है, अगस्त टू अक्टूबर के बीच में जो है इसका सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो ये है रेड कॉटन बग। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है उसके अंदर क्या होते हैं, लाइफ साइकिल में तीन स्टेज होती है ना, तीन स्टेज होती है, वो स्टेज कौन कौन सी है, एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है, इसीलिए तो इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। अब एग जो स्टेज है ना, एग स्टेज जो है ये क्या है, इसकी अब तक तो हमने जो पढ़ा था जितने भी बॉलबम्स पढ़े थे उनमें क्या था, एग जो स्टेज है वो क्या है, एग दिए जाते हैं सिंगली, है ना, एक एक करके, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये एग्स देते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, यानी कि ग्रुप के अंदर एग दिए जाएंगे 50-60। और एग लेइंग होती कहाँ है, इसकी जो प्लांट होता है, मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम का जो सोइल वाला पार्ट होता है ना, सोइल वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से प्लांट को बेस मिलता है, इसके आसपास क्या, इस प्लांट के आसपास सोइल के अंदर या फिर जो भी स्टेबल्स जो रहते हैं, है ना, अदर जो क्रॉप हैं उनके जो अवशेष रहते हैं, टुकड़े रहते हैं, इनके अंदर क्या है, इसकी एग लेइंग होती है, ठीक है। अराउंड प्लांट यानी कि प्लांट के चारों ओर यहाँ पे, है ना, इन सोइल के अंदर स्टबल्स यानी कि जो भी अवशेष बचे हुए हैं उनके अंदर होते हैं, लाइट येलो कलर के एग होते हैं, और 1.2 mm तक इसका क्या होता है, साइज होता है। फिर बात करेंगे निम्फ स्टेज की, तो निम्फ क्या होते हैं, स्टार्टिंग में लाइट येलो कलर के होते हैं, ठीक है, लाइट येलो कलर के होते हैं, बाद में धीरे धीरे रेड कलर के हो जाते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये ग्रुप में डैमेज करते हैं, यानी कि जैसे ही एग, ये सीधी सी बात है, आपको पता है कि एग्स जो दिए जा रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर, तो एग जब ग्रुप में दिए जा रहे हैं तो इसकी हैचिंग होने के बाद, ठीक है, जैसे ही हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद जो निम्फ निकल के आते हैं, ये जो निम्फ निकल के आते हैं इनका क्या है, ये जो है ग्रुप के अंदर ही डैमेज करेंगे, ठीक है, एक साथ क्या है कि मान लीजिए 10-15 जो है वो एक साथ एक लीफ के ऊपर रहेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर उससे क्या है, सेप को शक करेंगे, ठीक है। फिर है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जैसे कि डोर्सल साइड जो है, अब ये मैंने आपको कई बार बता दिया कि साइड तीन टाइप की साइड होती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई आप बात करें इंसेक्ट की, तो इसकी ये वाली साइड जो है ये क्या कहलाएगी, डोर्सल, ये होती है वेंट्रल, नीचे वाली जो होती है वेंट्रल, और साइड वाली जो होती है दोनों, यानी एक ये होगी एक इस साइड, दूसरी साइड जो होगी इनको क्या बोलते हैं, लेटरल। तो इसकी जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड कैसी होगी, रेड कलर की होगी, जिसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्पॉट स्ट्रिप यानी कि काले धब्बे वाली क्या है, पट्टियां पाई जाएगी, ठीक है, डोर्सल साइड पे ऊपर की तरफ। लेकिन लेटरल साइड पे, यानी लेटरल अभी मैंने बताया आपको, यानी कि मान लो जी ये कोई इंसेक्ट है, तो इसके इस साइड और इस साइड वाली जो है ना, ये डोर्सल होगी, ये वेंट्रल, और दोनों साइड क्या होगी, लेटरल। तो लेटरल साइड जो है इस पे वाइट स्पॉट्स होंगे, ठीक है, वाइट स्पॉट स्ट्रिप, जैसे इसमें क्या है काले धब्बों वाली पट्टियां हैं, वैसे इसके अंदर क्या है सफ़ेद धब्बों वाली पट्टियां पाई जाएगी, और इसके अंदर क्या है लगभग 5 बार मोल्टिंग होती है, और मोल्टिंग होने के बाद क्या बनेगा, डायरेक्ट एडल्ट। यहाँ प्यूपा स्टेज नहीं होती है क्योंकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो अब बात करते हैं एडल्ट की, एडल्ट क्या होता है इसका, रेड कलर का होता है, इसलिए तो रेड कॉटन बग बोलते हैं, रेड कलर का होता है, ब्लैक आइज, काले रंग की आंखें होती हैं जो उभरी हुई होती है। उभरी हुई होने का मतलब आप इसको देखते हो जब इंसेक्ट को, तो आपको आसानी से दिख जाती है आंखें, बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है। ब्लैक स्पॉट
ऑन स्कूटेलम, इसका जो स्कूटेलम होता है उसके ऊपर, और फोर विंग्स, दोनों जो फोर विंग्स होती है उसके ऊपर एक एक ब्लैक स्पॉट होता है। अब स्कूटेलम किसको बोलते हैं, वैसे तो डायग्राम आएगा आगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। इंसेक्ट के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है स्कूटेलम, यहाँ पे एक क्या है ब्लैक कलर का स्पॉट रहता है, ठीक है, ऐसे ब्लैक कलर का स्पॉट होगा, और इसके साथ साथ जो विंग्स होगी यानी कि फोर विंग्स जो होगी उनके ऊपर भी क्या है एक एक ब्लैक स्पॉट पाया जाता है। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, इसको पहचान सकते हैं अपने। वाइट स्ट्रिप्स ऑन लोअर साइड, निचली जो सतह है ना, लोअर जो साइड होती है, वेंट्रल साइड जो है उस पर भी क्या है वाइट पट्टियाँ, सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती है ना। मान लीजिए ये इसका एब्डोमन है ना, तो एब्डोमन में क्या होगा, हर जगह पे, हर जो एब्डोमिनल खंड है वहाँ पे क्या है ये जो पट्टियाँ हैं ये कैसी रहेगी, वाइट और ब्लैक कलर की ऐसे रहती है, सॉरी वाइट और रेड कलर की, ठीक है, वाइट और रेड कलर की पट्टियाँ होगी। अभी डायग्राम में आपको दिखा दूंगा मैं आगे। तो ये हो गए इनके करेक्टरिस्टिक्स, या फिर बात करें लाइफ साइकिल की, तो अब ये है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में स्टेज मैंने आपको बता दिया, तीन स्टेज होगी, एग, निम्फ एंड एडल्ट। एग जो स्टेज है इससे क्या है लगभग 7 दिन बाद में क्या होगा निम्फ बनेगा, निम्फ से 30 to 19 days। ये वेरिएशन जो है मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही किससे होगा, जो मौसम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस इसकी निम्फ जो स्टेज है वो किस में रहती है, डोरमेंसी में। तो इससे क्या एडल्ट बनेगा, एडल्ट से फिर 3 to 5 दिन बाद में क्या होगा वापस से, सॉरी 3 to 5 दिन बाद में क्या होगा, जैसे ही इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद 3 to 5 दिन बाद में क्या है वापस एग बनेगा, और ये जो साइकिल है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, समझ में आ गया, तीन स्टेज होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। टोटल लाइफ साइकिल होता है 42 to 102 days का, यानी कि 40 से 102 दिन का इनका टोटल लाइफ साइकिल होता है, और एक साल के अंदर कितनी जनरेशन पाई जाती है, 2 to 3 generations, एक साल के अंदर 2 to 3 generations ही होती है इसकी। ये हो गया, अब देखिए डायग्राम ये दिख रहा है आपको सबको, ये क्या है रेड कॉटन बग। अब कॉटन की क्रॉप में अभी जो सीजन चल रहा है इसमें जाके देखोगे तो दिख जाएगा आसानी से। तो रेड कॉटन बग में क्या है कि ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्रंट साइड में आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए सबसे पहले, ये क्या है स्कूटेलम, ठीक है, ये क्या है ट्राइंगल जो बना होता है, इसको क्या बोलते हैं स्कूटेलम, डोर्सल साइड पे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का स्पॉट है एक। इसके साथ साथ ये जो फोर विंग्स है यहाँ पे, दोनों आगे वाली जो जोड़ी पंख है इसके ऊपर क्या है एक एक ब्लैक स्पॉट है, यही मैंने आपको बताया था इसका करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो है ना, इसके अंदर वेंट्रल साइड जो है, ये नीचे वाली सतह दिख रही है सबको, इसके अंदर ये क्या दिख रहा है, लाल और सफ़ेद रंग की धारियाँ पाई जाती है ना, वाइट स्ट्रिप होती है, इसका कलर रेड ही होता है, उसके अंदर क्या है वाइट स्ट्रिप होती है, जितने भी एब्डोमिनल खंड होते हैं हर एब्डोमिनल खंड के ऊपर क्या है एक एक वाइट स्ट्रिप ऐसे पाई जाती है। इसी तरह इसको आसानी से पहचाना जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसके ये हो गया इसकी, अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, ठीक है, इसके मैनेजमेंट की। तो वन सबसे पहले क्या है, हैरोइंग एंड डीप्लोइंग। अब इसका रीज़न क्या है, हैरोइंग किसको बोलते हैं, निराई गुड़ाई को, है ना, निराई गुड़ाई, यानी कि फसल के अंदर समय समय पर अगर हम हैरोइंग करते रहते हैं, निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, या फिर बात करें ग्रीष्मकालीन में डीप्लोइंग, तो इससे क्या होगा, इसकी एग जो स्टेज अभी हमने बात किया, इसके अंदर प्यूपा तो होता ही नहीं है, लेकिन इसकी एग्लोइंग, एग्लिंग जो होती है वो कहाँ होती है, प्लांट जो होता है प्लांट के बेस पे, है ना, यहीं तो होती है इसकी एग्लिंग प्लांट के चारों ओर। तो अगर हम निराई गुड़ाई करेंगे तो इससे क्या होगा, इसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। फिर कलेक्ट निम्फ एंड एडल्ट्स, एडल्ट और निम्फ है, इनको आसानी से हम पकड़ सकते हैं, किसके थ्रू, जो नेट वगैरह है, नेट से हम क्या इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, उसके बाद इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है डस्टिंग, यानी कि कुछ डस्ट का यूज़ करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, वो कौन कौन सी है, लिंडेन 2% या फिर मेलाथियन 5% या फिर कार्बेरिल 10%, ठीक है। इन डस्ट को स्प्रे किया जाता है या डस्टिंग की जाती है 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और कार्बेरिल जो है वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनको फील्ड के अंदर डाला जाता है, ठीक है। फिर है स्प्रे, स्प्रे करते हैं एमिडाक्लोप्रिड की या फिर एसिटाम्प्रिड की, तो इनकी क्या है 100 ml और 50 ग्राम मात्रा जो है इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
500 से 600 लीटर जो वाटर है उसके अंदर मिक्स करके और हम फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं। अब इसके लिए हम कुछ बात करते हैं, कुछ नेचुरल एनिमीज जो यूज़ करते हैं इसके लिए वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया टेक्निड फ्लाई, ये फ्लाई होती है एज ए प्रीडेटर यूज़ होती है। ये क्या करती है, प्रीडेटर के रूप में रहती है और इनको पेरास्टोइड के रूप में रहती है, पेरास्टोइड के रूप में रहती है और इसको कंट्रोल करती है। और एक है हर्पेक्टर कोस्टेलिस, ये भी क्या है, इसके अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है और इसको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेड कॉटन बग, है ना। तो रेड कॉटन बग हो गया, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, जो आपका बॉलवर्म्स है ना, स्पॉटेड बॉलवर्म हो गया, पिंक बॉलवर्म हो गया, इसके बाद ये हो गया आपका रेड कॉटन बग। अभी दो पेस्ट हो रहा है इसके अंदर, जेसिड और वाइट फ्लाई, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉटन जेसिड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉटन जेसिड के अंदर। हेमिप्टेरा ऑर्डर का है ये भी, तो इसके भी क्या है जो सिम्टम है लगभग वो लगभग सेम रहेंगे। कॉटन जेसिड साइंटिफिक नेम है इसका एमरेस्का बिगटुला बिगटुला, ठीक है, एमरेस्का बिगटुला बिगटुला। फैमिली है इसकी सिकेडिलिडी और ऑर्डर है हेमिप्टेरा, ठीक है। हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो सारी चीज़ें रिपीट होगी, वही होगी आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए कि हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो फर्स्ट तो क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। लाइफ साइकिल में तीन स्टेज होगी, सेकेंड कौन सी स्टेज नुकसान करेगी, निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान करेगी। थर्ड, हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट है वो क्या करते हैं, हनी ड्यू का सिक्रेशन करते हैं, उससे क्या होगा, छोटी मोल्ड लगेगी यानी फंगस का अटैक होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, चलिए आगे। तो ये सारे क्या है, कॉमन फीचर्स है जो आपको हर जो ऑर्डर है उसका नाम सामने आते ही आपको दिमाग में आने चाहिए। नहीं ध्यान रहता है तो मैं हर पेस्ट के बारे में आपको हर बार बताता हूँ, तो इनको नोट कर लेना अलग अलग पेस्ट अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैमिली की बात करें तो ये तो याद करनी पड़ेगी, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, साइंटिफिक नेम फैमिली ऑर्डर है, इसको आपको थोड़ा सा इजी करके बता सकता हूँ, बाकी याद नहीं करवा सकता, याद तो आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया पूरा फर्स्ट क्लास में ही कि आप एक चार्ट बना लीजिए जिसके ऊपर ये सब लिखा हो, तो उससे बहुत ही जल्द याद होगा, नहीं तो इतने सारे पेस्ट एक साथ याद नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है। फिर है होस्ट प्लांट की बात करेंगे, तो कॉटन तो है ही है, कॉटन के साथ साथ मालवेसी के जितने भी हैं वो सारे क्या है इसका, उसके अंदर भी ये क्या डैमेज करता है। फिर है नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे, तो इसमें भी क्या है, निम्फ और एडल्ट जो है दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाएगी, हेमिप्टेरा ऑर्डर है। अब क्या करेगा, ये सेप शक करता है, ठीक है, सेप शक करता है कहाँ से, लीफ की जो लोअर साइड होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये लीफ है, मान लीजिए ये कॉटन की लीफ है, है ना, तो ये क्या है जो लोअर साइड है, आप ये मान के चलो कि ये क्या है, लोअर साइड है लीफ की, ठीक है, नीचे वाली सतह है, तो इसकी जो किनारे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, मार्जिन जो होती है, ठीक है, लीफ की मार्जिन जो होती है, ये क्या करता है, इस मार्जिन के आसपास से क्या करता है, शक करता है शेप को, यानी कि यहाँ से ये क्या है शेप, है ना, सेप शक करेगा, तो इससे क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। कमज़ोर होने का मतलब क्या है, यहाँ का जो लिक्विड है वो तो सारा ये क्या है, ये चूस लेते हैं, उससे क्या होगा, यहाँ जो एम्प्टी स्पेस होता है इससे क्या होगा, ये कर्लिंग होने लग जाती है, इससे क्या है डाउनवर्ड कर्लिंग होती है। दो चीज़ें होती है, एक अपवर्ड कर्लिंग होती है कुछ पेस्ट की वजह से, कुछ पेस्ट की वजह से डाउनवर्ड कर्लिंग होती है। तो ये जो जेसिड है, जेसिड की वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड कर्लिंग होगा, यानी कि मान लीजिए ये जो लीफ है, अब इसका ये वाली मार्जिन होगी और ये वाली मार्जिन होगी, तो इनके ऊपर जैसे ये फीड करेंगे तो ये लीफ ऐसे हो जाएगी, कहने का मतलब मार्जिन जो है वो नीचे की तरफ सिकुड़ने लग जाएगी। ये आगे डायग्राम में भी आपको शो कर दूंगा, अच्छे से पता चल जाएगा। तो ठीक है, ये क्या है, इसका नेचर ऑफ डैमेज है। देखिए, लोअर साइड से उसको फीड करेगी, है ना, इससे क्या होगा, लीव्स टूवर्ड मार्जिन, लीफ के अंदर लोअर साइड पे टूवर्ड मार्जिन यानी मार्जिन की तरफ क्या है ये फीड करता है, उससे क्या होगा, लीव्स बिकम येलो जैसा उसमें था। हेमिप्टेरा सब में यही होगा, जैसे ही सेप चेक करेंगे उससे क्या होगा,
जो अगर ये ग्रीन जो मैटर है ना, या फिर बात करें सेब को शक करेंगे तो क्या है, लीव्स धीरे धीरे ड्राई सी दिखने लग जाती है, येलोइश कलर की होने लग जाती है, बिकम येलो एंड डाउनवर्ड कर्लिंग, ये ध्यान रखना, मेनली डाउनवर्ड कर्लिंग आपको ज़रूर लिखना है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे मार्जिन की तरफ से ये फीड करेगा तो डाउनवर्ड कर्लिंग होने लग जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, और इससे अप टू 35% तक इससे लॉस देखा गया है, यानी कि 35% तक इसके द्वारा लॉस देखा गया है, नोटिस किया गया है। फिर है यहाँ एक चीज़ लिखी गई है, लेस ऑन स्पाइनी वेराइटी। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो वेराइटीज़, ठीक है, कॉटन की वो वेराइटीज़ जिनके ऊपर, कुछ वेराइटी ऐसी होती है कॉटन की जिनके ऊपर क्या है, ये जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे क्या है, स्पाइंस रहते हैं, कांटे से रहते हैं, छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हेयर्स होते हैं इनसे ये जो पेस्ट है, या बात करें जो जेसिड है, बहुत छोटा पेस्ट होता है, तो ये क्या करता है, जैसे ही कोशिश करेगा इस स्पाइन की वजह से क्या है, वो लीफ को डायरेक्ट टच नहीं कर पाएगा, है ना, लीफ को डायरेक्ट टच नहीं कर पाएगा, उसको सरफेस से थोड़ा ऊपर रहेगा स्पाइंस की वजह से, या फिर जो हेयर्स हैं उनकी वजह से जो लीफ के ऊपर रोम रहेंगे, तो इससे क्या होगा, वो जैसे ही इसके अंदर पिंच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इनके माउथ पार्ट जो है वो लीफ तक नहीं पहुँच पाते, है ना, साइंटिफिक रीजन है इसका। अब ये मान लीजिए यहाँ पे हेयर्स हैं, अब इसके ऊपर जो पेस्ट फीड करना चाहेगा, तो इससे क्या होगा, इन हेयर्स की वजह से वो अपना माउथ पार्ट्स है उसको इस लीफ की जो सरफेस है वहाँ पे टच नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, ये जो शेप है उसको शक नहीं कर पाता, इसलिए क्या है कि ऐसी जो वेराइटीज़ है स्पाइनी वेराइटी, या फिर बात करें जिनके लीव्स के ऊपर क्या है छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, रोम्स पाए जाते हैं, उन वेराइटीज़ में इसका लॉस बहुत कम होता है, इसका रीज़न यही है। फिर देखिए बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हेमिप्टेरा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। लाइफ साइकिल के अंदर 3 स्टेज होगी, कौन कौन सी, एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है। एग लेइंग किसी होती है इसकी, सिंगली, सिंगल एग लाइन होती है, यानी कि एक एक करके एग्स दिए जाते हैं, और एग्स कहाँ दिए जाते हैं, विद इन मिड वेन टिश्यू, यानी कि लीफ की जो अपर सरफेस होती है, डैमेज इसका डाउन सरफेस पे होता है, लेकिन क्या है, मान लीजिए ये लीफ है कॉटन की, है ना, तो इस लीफ पे ये जो मिड वेन होती है बीच वाली, ये अपर साइड की बात चल रही है, अपर साइड में जो मिड वेन जो होती है, इसके जो टिश्यू होते हैं, इसके जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू के अंदर क्या होती है, इसकी एग लेइंग की जाती है, समझ में आ गया, यानी कि लीफ के ऊपर अपर साइड में जो मिड वेन होती है, मिड वेन के जो टिश्यू होते हैं, जो उत्तक होते हैं, उन उत्तकों के अंदर क्या है, इसके एग्स दिए जाते हैं, और एग्स लगभग 15 to 50 तक एग्स दिए जाते हैं, एक एक करके दिए जाते हैं एग्स। अब बात करेंगे निम्फ की, तो निम्फ जो होता है इसका कैसा होता है, लाइट ग्रीन, हल्के हरे रंग का होता है इन ग्रुप्स, और आपको क्या दिखेगा, ग्रुप के अंदर ही दिखेगा, एक लीफ आप देखोगे उस एक लीफ के ऊपर आपको काफ़ी सारे जेसिड जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और इसकी बॉडी कैसी होती है, वेज शेप्ड बॉडी होती है। अब वेज शेप का मतलब क्या है कि आप देखोगे तो आपको बॉडी इसकी ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, वेज शेप बॉडी होती है इसकी, इसके आगे यहाँ पे इसके माउथ पार्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है, वेज शेप बॉडी होती है। फिर है मोल्टिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है, निम्फ जो होता है उसके अंदर लगभग 5 बार मोल्टिंग होती है, ठीक है, त्वचा निर्मोचन होता है, और इससे बाद क्या है, फिर एडल्ट निकल के बाहर आता है। एडल्ट जो स्टेज होती है, एडल्ट जो स्टेज होती है ये क्या है, ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीनिश कलर का होगा, ब्लैक स्पॉट ऑन फोर विंग्स, यानी कि आगे वाली जोड़ी जो पंख है उनके ऊपर क्या है, काले धब्बे पाए जाएंगे, प्लस क्या है, ये तो हो गया फॉर्मिंग की बात, 2 ब्लैक स्पॉट, 2 काले धब्बे जो है वो कहाँ कहाँ, हेड पे और वर्टेक्स पे पाए जाते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, आपने शायद पढ़ा हो पिछली क्लास में कि इंसेक्ट का जो फ्रंट, जो फेस वाला जो पार्ट होता है उस पे फ्रॉन्स, क्लाइपियस, वर्टेक्स, ऐसे करके काफ़ी सारे क्या है, माउथ पार्ट्स जो होते हैं, माउथ के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो रहते हैं, तो उनमें से वर्टेक्स वाला जो पार्ट है ना, वर्टेक्स वाला पार्ट पे और हेड पे क्या है, एक एक ब्लैक स्पॉट इसके रहते हैं, 2 ब्लैक स्पॉट रहते हैं, ग्रीन कलर का होता है, फोरविंग पे भी क्या है, ब्लैक स्पॉट होता है। अब इसकी एक खास बात क्या है, ये जो फ्लाई जब करता है, या बात करें ये चलता जो है, तो ये क्या है, हमेशा तिरछा चलता है, यानी कि ऐसे नहीं चलेगा, ये क्या है, या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, मूव इन एन एंगल, यानी कि एक एंगल के अंदर, एक कोण के अंदर चलता है, ये क्या है, हमेशा
तिरछा चलता है, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी बात करें तो इसके आइडेंटिफिकेशन है इसकी, कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। अट्रैक्ट टूवर्ड लाइट, लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हेमिप्टेरा के पेस्ट मोस्टली होते ही हैं लाइट की तरफ अट्रैक्ट, लेपिडोप्टेरा के भी होते हैं। इसके लाइफ साइकिल आ गया, लाइफ साइकिल में क्या है, एग, फिर निम्फ एडल्ट, एग से 4 से 6 दिन बाद निम्फ बनता है, निम्फ से 7 से 12 दिन बाद एडल्ट बनता है, और एडल्ट के रिप्रोडक्शन के बाद 1 से 2 दिन बाद क्या है, वापस से एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे ही ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, प्लस क्या है, टोटल लाइफ साइकिल जो है वो क्या रहता है, 12 to 21 days, 12 से 21 दिन के अंदर पूरा जो लाइफ साइकिल है वो कम्प्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ क्या है, इसकी 4 जनरेशन पाई जाती है, 1 साल के अंदर इसकी कितनी जनरेशन पाई जाती है, 4 जनरेशन, ठीक है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब देख लीजिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या है, जेसिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देखिए ढंग से, तो फोरविंग जो है, पहले तो देखिए इसका कलर कैसा है, ग्रीनिश कलर का है ना, ग्रीन कलर का। अब इसकी जो फोरविंग है, ये जो आगे वाली जोड़ी पंख है, इनके ऊपर दिख रहा है ना, एक एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो लीफ है ऐसी दिखाई देगी आपको, ये जो मार्जिन जो दिख रही है ना, है ना, यहाँ से क्या है, कर्लिंग रहती है, यानी कि मार्जिन वाली साइड से लोअर साइड में, यानी कि नीचे की तरफ क्या है, ये मुड़े हुए रहते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, डाउनवर्ड कर्लिंग रहती है, है ना। लीफ के ऊपर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके जो है एडल्ट या फिर निम्फ जो है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शेप को शक करते हैं लीफ से, और फिर उसके जो प्लांट जो भी शेप होता है उसको शक करके, और इससे क्या होगा, लीफ जो होगी उसमें कर्लिंग होने लग जाएगी डाउनवर्ड, और प्लस क्या है, धीरे धीरे वो येलोइश कलर की क्या है, होने लग जाती है लीफ। फिर बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी की। कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी है, MCU3, MCU5 या MCU9, ये वैरायटीज़ हैं, इनके ऊपर इसका डैमेज कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, अट्रैक्ट होते हैं, एडल्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ, टूवर्ड लाइट, तो हम क्या है, लाइट ट्रैप यूज़ करेंगे इनको पकड़ने के लिए, तो लाइट ट्रैप हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, लोबिया की जो क्रॉप है ना, लोबिया जो क्रॉप है उसको एज ए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और क्या है, सॉरी, जो लोबिया है इसको यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, जो कोक्सिनेलिड है, कोक्सिनेलिड बीटल जो होता है, ये क्या है, एक पैरास्टोइड है, सॉरी प्रीडेटर है, ये क्या है, एक प्रीडेटर है, तो ये प्रीडेटर का काम करेगा, यानी परभक्षी का काम करेगा। जैसे ही हम लोबिया क्रॉप को लगाएंगे, उससे क्या है, कोक्सिनेलिड अटैक्ट होगा उसके ऊपर। अब कोक्सिनेलिड जब आएगा, तो कोक्सिनेलिड क्या है, एक प्रीडेटर है, और वो अपनी डाइट के रूप में ये जो भी है ना, जेसिड जो है, इसको फीड करता है, तो इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलता है इसको पकड़ने में, ठीक है। फिर है, इसका नाम दिया गया है, ये तो कोक्सिनेलिड का, मेनोचिलस सेक्स मेकुलेटा, ये इसका नेम है, ठीक है। तो इसको, ये जो कोक्सिनेलिड है, ये किसके ऊपर आता है, लोबिया जो क्रॉप है इसके ऊपर, तो हम लोबिया को क्या है, यूज़ करते हैं, ठीक है, एक एज ए बात करें तो सहायक क्रॉप के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सहायक क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं, सहायक फसल के रूप में, तो इससे क्या होगा, हमें इसको मैनेज करने में क्या है, आसानी होती है, फ़ायदा मिलता है। फिर है स्प्रे, कुछ स्प्रे की है, इमिडाक्लोप्रिड 200 SL, एसिटामिप्रिड 20 SP या थायोमेथेक्सोम 25 WG, ठीक है। तो इनकी ये जो मात्रा आपको दी गई है, 100 ml, 100 ग्राम या 50 ग्राम, इनको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो निश्चित वाटर की क्वांटिटी है, 500 to 600, उस वाटर के अंदर क्या है, इसको मिक्स करके और स्प्रे किया जाता है पूरे फील्ड के अंदर कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ मार्गोसाइड 0.5% या फिर नीम ऑयल 3% है, इसको भी क्या है, हम यूज़ करते हैं एज ए प्रोटेक्टेड। इनका जब स्प्रे किया जाता है, तो उससे क्या होता है, लीफ के ऊपर क्या होता है, एक लेयर सी बन जाती है, जिससे क्या है, इनको, इनके द्वारा जो सेप शक किया जाता है उसमें कमी आती है, ठीक है। फिर इसके लिए एक नेचुरल एनिमी भी यूज़ लिया जाता है, क्रिस्पा सिम्बेला। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत से होते हैं, लेकिन आप कम से कम एक दो नाम ऐसे याद रखिए,
जिनको आप लिख सको, ठीक है, इसके मैनेजमेंट में। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम कॉटन वाइट फ्लाई की, ठीक है। कॉटन वाइट फ्लाई की काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है वाइट फ्लाई के द्वारा कॉटन की क्रॉप के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, तो बेमेसिया टेबेसाई भी बोलते हैं इसको, कुछ टेबेकी भी बोलते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। साइंटिफिक नेम हो गया। फैमिली होती है इसकी एलिरोडिडी, एलिरोडिडी फैमिली होती है। ऑर्डर होता है इसका हेमिप्टेरा। अब हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो सारी चीज़ें सेम होगी, ठीक है, लेकिन इस पेस्ट की एक खास बात है ध्यान रखना कि ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का होते हुए भी ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है। अपवाद कैसे है कि इसमें हेमिप्टेरा ऑर्डर का होते हुए भी क्या है, लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? फोर स्टेज लाइफ के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर फोर स्टेजेस होती हैं। लेकिन हेमिप्टेरा ऑर्डर में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और तीन स्टेज होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, चार स्टेज होती है और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। बाकी जितने भी सिम्टम हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के सेम होंगे, यानी कि जो भी हनी ड्यू का सिक्रेशन है वो सब, और ये भी क्या करती है, लीप से सेप सक करती है। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट की, तो होस्ट प्लांट मेनली तो ये भी कॉटन के ऊपर ही डैमेज करती है, लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी है, इस फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें भी नुकसान पहुंचाती है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो नेचर ऑफ डैमेज में मैंने आपको बताया कि हेमिप्टेरा ऑर्डर की नीम फॉर एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाती है ना, नीम फॉर एडल्ट दोनों। अब ये क्या करते हैं, सेप को सक करेंगे लीव से और सॉफ्ट पार्ट से, प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं उन सब से क्या है, ये सेप सक करेंगे। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, हेमिप्टेरा ऑर्डर में ये सारे सिम्टम्स हैं, ग्रोथ रुक जाएगी। अब है कि बॉल्स नॉट ओपन, फर्स्ट तो है ना, नॉट ओपन प्रॉपरली। अब क्या होगा कि या तो अगर फ्लोवरिंग के टाइम इसका डैमेज होता है, ठीक है, फ्लोवरिंग के टाइम इसका डैमेज होता है, तो ये क्या है, फ्लोवर पार्ट से जैसे ही सेप सक करती है, ठीक है, सेप सक करती है, ये क्या है, ग्रुप में रहती है, बहुत सारी वाइट फ्लाइज जो है उनका एक साथ अटैक होता है एक किसी भी प्लांट पार्ट पे, तो ये क्या है, इस पे डैमेज करेगी। तो क्या है, जैसे ये लीफ का मान लीजिए यहाँ से अगर सेप सक कर रही है, तो धीरे धीरे ये जो कलिका है, फ्लोवर बड जो है, ये मुरझा के नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब नीचे गिर जाएगी तो क्या होगा, अगर ये पहले ही नीचे गिर गई तो इससे बॉल नहीं बनेगी, और बॉल नहीं बनेगी तो रेसा नहीं बनेगा, ठीक है। या तो ये होगा, अगर बॉल बन जाती है, ठीक है, मान लीजिए बॉल बन गई या फ्रूट बन गया, तो फ्रूट बनने के बाद क्या है, ये प्रॉपरली ओपन नहीं होता है, ठीक है, फ्रूट जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होगा, यानी कि आधी आधा फूल जो है वो आधा फ्रूट ओपन हो जाएगा आधा बंद रहेगा, या फिर क्या, इसके अंदर जो रेसा जो है वो प्रॉपरली क्या है, नहीं बन पाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब ये भी हेमिप्टेरा ऑर्डर का है तो क्या करेगा, हनी ड्यू का सिक्रेशन करेगा, ठीक है, हनी ड्यू यानी कि जो लिक्विड है उसका सिक्रेशन करेगा, इससे क्या होगा, फिर जो सूटी मोल्ड है वो लग जाएगा, है ना, जो कवक है सूटी मोल्ड वो लग जाएगा। अब इससे क्या होगा, यानी कि ये तो जो वाइट फ्लाई डायरेक्ट जो डैमेज कर रही है वो तो कर ही रही है ना, सेब को सक करके, इसके साथ साथ वो अट्रैक्ट करती है किसको, फंगस को, कवक को, ताकि वो भी इसके ऊपर डैमेज करे, यानी कि एक साथ इससे क्या है, इसके साथ भी एक साथ दो दो नुकसान होते हैं। इसके साथ एक अलग चीज़ जो होती है वाइट फ्लाई में हेमिप्टेरा ऑर्डर की होके, वो क्या चीज़ होती है कि ये जो ग्रीन पार्ट जो होता है ना, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ का जो भी एक ग्रीन पार्ट जो होता है ना, तो ग्रीन पार्ट को ये क्या करता है, धीरे धीरे ये शक करती रहती, इससे क्या होगा कि ग्रीन पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कम होता रहेगा ग्रीन पार्ट, इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी रेट में कमी आती है, फोटोसिंथेसिस जो है उसकी रेट जो है वो डिक्रीज होती है, उसकी रेट में कमी आती है। तो यहाँ पे अलग चीज़ क्या है, अलग चीज़ ये होगी कि एक तो वाइट फ्लाई जो डैमेज कर रही है वो कर रही है, प्लस सेकंड क्या है, इसकी वजह से सूटी मोल्ड का अटैक हो रहा है क्योंकि हनी ड्यू का सिक्रेशन कर रही है। थर्ड जो है वो क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है उसको भी कम कर देती है, तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और अभी कुछ साल पहले वाइट फ्लाई के द्वारा पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
अब बात करेंगे ETL की, तो इसके लिए ETL डिसाइड किया गया है 5 to 10 निम्फ पर लीफ। ETL पता है सबको क्या होता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। ETL को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि वो लेवल जहाँ पे क्या है, हमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ETL का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि अब आपको एक लीफ के ऊपर 5 to 10 निम्फ दिख जाते हैं वाइट फ्लाई के, तो उस कंडीशन में हमें क्या है, जो भी केमिकल्स का स्प्रे करना है या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने जाते हैं वो कर दिए जाते हैं। अगर इस कंडीशन में हम स्प्रे या फिर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये फिर आगे नेक्स्ट जो स्टेज होती है जिसको बोलते हैं EIL, यानी कि इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, उसमें पहुँच जाती है, जहाँ हमें क्या है, रियल में इकोनॉमिक लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो मैंने आपको बताया ये हेमिप्टेरा ऑर्डर है, उसके हिसाब से तो इनकम्प्लीट होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इसका एक अपवाद है, आप ये मान के चलो, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, प्लस क्या है, लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होगी। अब वो चार स्टेज कौन कौन सी होगी, एग निम्फ और एडल्ट तो होती होती है, इसके बीच एक छोटी सी स्टेज जो है वो भी पाई जाएगी, प्यूपा होती, तो ये वीक लगभग एक सप्ताह की है, तो ये क्या है, बीच में एक स्टेज इसके होती है। फिर बात अब बात करेंगे एग्स की, तो ये क्या है, एग कहाँ दिए जाते हैं, एक एक करके लीफ की जो लोअर सरफेस होती है, लोअर सरफेस वहाँ पे दिए जाते हैं, सिंगली दिए जाएंगे लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती की निचली सतह पे, और 100 to 120 एग्स, है ना, 100 से 120 जो है एग्स वो दिए जाते हैं एक साथ। और इसके एग्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, स्टार्क्ड, लिखा हो ना, एग स्टार्क्ड एलिप्टिकल। अब एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, एलिप्टिकल का मतलब होता है चपटे, हिंदी में बोलते हैं इसको चपटे। अब बात करें स्टार्क्ड की, तो स्टार्क्ड को बोलते हैं डंठल युक्त, ठीक है, डंठल युक्त। अब डंठल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि एग लेंथ जो होगी, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ की लोअर सरफेस है। अब लोअर सरफेस पे जो एग लेंथ होगी, है ना, तो एग लेंथ के समय क्या होगा, ये जो एग्स है ना ऐसे दिए जाएंगे, एक एक करके सिंगली दिए जाते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क, यानी कि एग्स जो है वो लीफ की सरफेस से थोड़ा सा चिपके हुए नहीं रहते, थोड़ा सा नीचे रहते हैं, यानी कि स्टार्क्ड रहते हैं। इनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा डंठल होता है फ्रूट में जैसा होता है, और क्या होते हैं, चपटे होते हैं, साइज में क्या होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं, ठीक है, चपटे होंगे, ठीक है, ये इसकी खास बात है। और इसका कलर कैसा होता है, येलो टू ब्राउन, पहले येलो कलर के होते हैं जब एग लेइंग की जाती है, बाद में धीरे धीरे ये एग्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फिर बात करेंगे निम्फ की, तो निम्फ जो है ये क्या है, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, पहले क्या होंगे, लाइट ग्रीन, यानी कि हल्के हरे रंग के होते हैं, और लूज लाइक। अब ये लूज का मतलब क्या है, लूज किसको बोलते हैं, मेनली हेड लूज के लिए यूज होता है, यानी कि जो जू जो होती है ना सर की, तो जू के जैसे होते हैं, देखने पे वाइट फ्लाई कैसी लगती है, जैसे जू हो, है ना, वाइट फ्लाई लूज लाइक होती है, लाइट ग्रीन कलर की होती है, और एग शेप्ड यानी कि अंडाकार रहती है, बाद में क्या है, ग्रीनिश येलो यानी कि येलो कलर की होती है, लेकिन थोड़ी सी क्या है, हरापन लिए हुए रहती है। इन ग्रुप्स, ग्रुप में रहती है, मैंने आपको बताया एक साथ कई पाई जाती है, ग्रुप्स में रहता है, 1 से 1.5 mm इसका साइज होता है, और लगभग 3 मोल्टिंग होती है, ठीक है, 1 to 1.5 mm साइज होगा और 3 मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग होने के बाद क्या है, प्यूपा बनता है, ये प्यूपा जो है वो लोअर साइड पे, लीफ की जो लोअर साइड होती है वहीं पे बनता है, और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। फिर है एडल्ट, एडल्ट जो होती है वो क्या होती है, वाइट फ्लाई होती है, यानी कि सफ़ेद रंग की मक्खी होती है, छोटी सी मक्खी होती है सफ़ेद रंग की, लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में इसका रियल जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो, यानी कि ये येलो कलर की होती है, लेकिन होता क्या है, इसकी जो विंग्स है, है ना, विंग्स जो है उनके ऊपर क्या है, वैक्सी
वैक्सी मटेरियल, वैक्सी कोटिंग होती है, यानी कि वैक्स की कोटिंग होती है, जिससे क्या है सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं विंग्स। और ये क्या है, बॉडी तो इसकी दिखती नहीं है लेकिन वो विंग्स जो हो रखे हैं सफ़ेद वो दिखते हैं, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वाइट फ्लाई बोलते हैं। पूरी वाइट कलर की नज़र आती है ये, ठीक है। वाइट फ्लाई येलो कलर की होगी, ठीक है, येलो कलर की होती है। और जो विंग्स है वो कवर्ड रहते हैं किससे, बॉडी कवर्ड विद वैक्स, बॉडी और विंग्स जो है वो कवर रहते हैं किससे, वैक्स से, ठीक है। ऐसा ही निम्फ के अंदर होता है, सेम चीज़ है। निम्फ के अंदर भी क्या है, जो बॉडी है वो कवर रहती है किससे, वैक्स से। तो निम्फ भी कैसे दिखाई देते हैं, वाइट कलर के दिखाई देते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके अंदर चार स्टेज होती है, वैसे तीन होती है ना, तो इसमें क्या हो गया, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। एग है उससे 3 से 35 दिन बाद में क्या है, निम्फ बनता है, और निम्फ से 9 to 81 डेज के बाद क्या है, प्यूपा बनता है। और प्यूपा मैंने आपको बताया लगभग 1 वीक की होती है, 2 से 8 दिन की। उसके बाद क्या है, फिर एडल्ट बनता है जो 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है। एक साल में इसकी 11 जनरेशन पाई जाती है, ठीक है, 11 जनरेशन। टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 16 to 127 डेज का होता है, ठीक है। ये जो वेरिएशन दिख रहा है ना आपको इतना ज़्यादा, 9 to 81 या 3 to 35, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर, है ना, उसकी वजह से रहता है। अब दिखाई दे रहा सबको ये क्या है, वाइट फ्लाई, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, वाइट फ्लाई नाम सुना होगा सबने। इस लीफ जो है नॉर्मल आप देखोगे तो बहुत ही ये क्या है, रेयर चांस में आपको, या बहुत ही छोटे छोटे दिखेंगे, जैसे इसमें दिख रहे ना, पूरा अच्छी तरह से दिख भी नहीं रहा होगा, ऐसे दिखाई देते हैं बहुत ही छोटे छोटे। और आप जैसे ही इसको हिलाते हो थोड़ा सा लीफ को, तो ये आपको आसानी से उड़ते हुए दिख जाएंगे। अब ये फ़ोटो, इसको जूम करके दिखाया गया है, ये जो फ़ोटो है ये सारे क्या है, वाइट फ्लाई है। और एक साथ क्या है, इतने ज़्यादा ये क्या है, झुंड में अटैक करते हैं, ये दिख रहा है ना छोटे छोटे सारे, ये वाइट फ्लाई है। इसको जूम करके दिखाया गया, ये दिख रहा है, ये क्या है, बॉडी इसकी जो है वो कैसी है, येलो कलर की है ना, येलो कलर की। लेकिन विंग्स जो होती है इनके ऊपर क्या है, वैक्स रहता है, वैक्स की कोटिंग होती है, इसकी वजह से क्या है ये वाइट कलर की दिखाई देती है। और इसको क्या बोलते हैं, वाइट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। फिर है इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में बात करेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी है, सुप्रिया होगी या LPS 141, इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक तो सोइंग के टाइम का, सोइंग के टाइम का ध्यान रखा जाता है, यानी कि सोइंग है वो फिक्स टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम जो होता है उसके ऊपर की जानी चाहिए, ना ज़्यादा लेट होनी चाहिए या अर्ली। और स्पेसिंग जो होती है वो मेंटेन रखनी चाहिए। अब ये स्पेसिंग जो है ये अलग अलग जो है वैरायटी या फिर स्पीशीज जो होती है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है, जैसे अमेरिकन कॉटन की अलग होगी, बीटी कॉटन की अलग होगी, है ना, देसी कॉटन की अलग होगी। तो ये स्पेसिंग क्या है उसको ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बीटी कॉटन की तो क्या होती है, 100 into 100, ठीक है, और वैसे नॉर्मल 67.5 to 35 होती है। कुछ वैरायटीज़ में कुछ अलग जो होगी स्पीसीज उनमें और भी अलग हो सकती है। फिर है क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो कॉटन की जो क्रॉप है उसको रोटेट के साथ, रोटेशन के साथ अपनाते हैं, किसके साथ, सोरगम, मेज या फिर अदर जो भी चारे वाली फसलें उनके साथ ले। फिर है स्प्रे केमिकल है, जैसे डाइफेंथ्यूरोन हो गया या फिर ट्राइजोफोस या मिथाइल डेमेटोन, इनकी जो है 500 ग्राम 1.5 लीटर या 750 ml जो मात्रा है उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर वाटर जो है उसके साथ घोल बना के स्प्रे किया जाता है पूरे फील्ड के अंदर। NSK या फिर नीम ऑयल को भी यूज़ करते हैं। NSK मतलब क्या होता है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट या फिर नीम ऑयल, ये 3% या 1% का घोल जो होता है इसको स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, लीफ के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है जो क्या है, काफ़ी हद तक डैमेज को कम करने का काम करता है। फिर बात करेंगे नेचुरल एनिमीज़ की, तो क्राइस्पा सिम्बेला जैसा उसमें था वो सेम ही है, जेसीड में जो होता है। ब्रूमस स्पीसीज, ये क्या है, एज ए प्रीडेटर काम करते हैं वाइट फ्लाई के ऊपर। या फिर पोइसिलोमाइस फेरिनोसिस, है ना, ये क्या है, पैरासिटिक फंगस है, ये एक फंगस है, एक कवक है जो क्या है पैरासाइट के रूप में रहता है किसके ऊपर, वाइट फ्लाई के ऊपर, और उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया वाइट फ्लाई। तो इसके साथ आपका जो आज का, या फिर बात करें जो कॉटन के पेस्ट है, वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी, काफ़ी लंबी होगी शायद आज की क्लास, तो इसके बाद की जो नेक्स्ट जो होगी
क्लास उसमें फिर कभी किसी क्रॉप का अपने लेके और उसके सारे पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।